आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो भाई चलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जहां से बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए जो जो चीजें इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन ओवरव्यू इस एक्ट का पूरा समझ में आना चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने बाकी एक्ट्स में किया है, पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये एक्ट है किस लिए, कौन कौन अथॉरिटीज हैं, किस किस चीज में डील करता है, वो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, स्पेसिफिक प्रोविजन याद रखने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये एक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, जो हमने एडिशनल एक्ट्स पढ़े, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हमने पढ़ा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पढ़ा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पढ़ा, या पॉक्सो कल करेंगे। अब इनमें क्या है कि नंबर ऑफ सेक्शंस काफी कम थे, बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट काफी बड़ा है, लेकिन लेट मी टेल यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लिमिटेड डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और दूसरे माइनर एक्ट में था। तो एक्सप्रेसली वो चीजें मैं आपको बता दूंगा जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांस है, और एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया भी आपको इस सब्जेक्ट का हो जाए कि ये डील किस में करता है। जनरली लोगों को ये लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सिर्फ उन बच्चों में डील करता है जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, उन्हें जुवेनाइल जनरली कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें और भी कई एस्पेक्ट हैं। देखिए समझते हैं, इस एक्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, किन चीजों में ये डील करेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन इसके प्रियम्बल पे आए, तो यहां ये चीज बताई गई है कि ये एक्ट किन लोगों में डील करेगा या किन बच्चों की बात ये एक्ट करेगा। तो यहां सबसे पहले देखिए किन से रिलेटेड लॉ है, चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, वो बच्चे हैं जिनके ऊपर या तो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है या पाया गया, कन्विक्टेड, या तो अक्यूज किसी ऑफेंस के, या फिर दे हैव बीन फाउंड गिल्टी। उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उनके लिए टर्म क्या यूज किया गया है इस एक्ट में, तो उनके लिए टर्म यूज किया गया है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। लॉ के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दे हैव वायलेटेड द लॉ, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। दूसरी कैटेगरी जिनके साथ ये एक्ट डील करेगा वो है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि जिन्होंने ऑफेंस किया है या जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशन है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, सिर्फ उनमें डील करेगा, ऐसा नहीं है। उन लोगों में भी डील करेगा जैसे आप देखते हैं ना, अबैंडन बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, छोटे बच्चे जिनका कोई नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई उनके केयर करने के लिए नहीं है, ऐसे बच्चों को भी कैटर करेगा ये एक्ट, उनका भी ध्यान रखेगा। इसीलिए इस एक्ट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो प्रोसीजर कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के साथ आपको क्या करना है और इससे रिलेटेड अथॉरिटी कौन है। तो देखिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को डील करने के लिए जो अथॉरिटी है, एक तो आपका है जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया आपका एक, और एक है आपका चिल्ड्रंस कोर्ट। ये दो मेजरली अथॉरिटीज हैं जो किनके साथ डील कर रही हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिन्होंने ऑफेंस किया है या जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, उन लोगों से डील करने के लिए क्या क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट है। ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनके लिए कौन है, उन्हें कौन वो केयर और प्रोटेक्शन दिलाएगा, तो इन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देर इज एन अथॉरिटी कॉल्ड द चाइल्ड केयर कमिटी। ये है चाइल्ड केयर कमिटी जो इन बच्चों का ध्यान रखेगी, वो एक सेपरेट अथॉरिटी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक अलग है, और उसी के ऊपर अथॉरिटी होगी चिल्ड्रंस कोर्ट, उसके अलग फंक्शन है दोनों के, और बच्चों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का भी ध्यान ये एक्ट रख रहा है, तो उसके लिए चिल्ड्रन केयर कमिटी बनाई गई है, उनके बारे में यहां पूरा दिया हुआ है। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो कि ब्रॉडली इस एक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अब इतना ही नहीं है, आप समझिए एक बात, अब ये दोनों कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो भी दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया हो, उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगे कि उस बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि अबैंडन्ड है या ऑर्फन है, या ऐसा है जिसके पेरेंट्स या उससे रिलेटेड
उसके जो गार्जियन है, अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं या कोई भी लीगल रिप्रेजेंट, वो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको केयर की जरूरत है। तो इनके लिए एक चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी होगी या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी जो इनके साथ डील करेगी। और जैसा मैंने बताया, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट के लिए आपके पास ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ठीक, अब ये दो बातें तो हो गई कि इन एक बात ये समझनी हमें जरूरी है कि दोनों कैटेगरी में आने वाले जो बच्चे हैं जिन्हें केयर की जरूरत है या जिन्होंने ऑफेंस किया, जिन पे एलिगेशन लगा है, दोनों का फ्यूचर तो आपको सिक्योर करना है। क्योंकि यहां किन लोगों की बात हो रही है, किन बच्चों की बात हो रही है जो 18 साल तक के हैं, ये चीज तो जनरली भी आप जानते हैं कि उन लोगों की बात हो रही है जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है। तो अब आने वाला जीवन उनके सामने है ऑलरेडी। अब अगर ये भी है कि दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस और समथिंग लाइक दैट, तो भी उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का। उन्हें हम एट पार ट्रीट नहीं कर सकते विद हार्डकोर क्रिमिनल्स, उनकी तरह उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनके साथ रखा नहीं जा सकता। नहीं तो पता चला है कोई बच्चा है 17 साल का जिसने एक ऑफेंस कमिट किया है, अब आप उसको हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रख देंगे तो शायद आगे चल के वो वैसा ही क्रिमिनल या उस तरीके की टेंडेंसी एक्वायर कर ले। क्योंकि ये जो एज है एक बड़ी ही टेंडर एज है, एक ऐसी एज है जहां बहुत केयर की जरूरत है बच्चों को, इसीलिए ये अलग सारा प्रोसीजर है। और इतने से काम नहीं चलेगा कि उसके ऊपर एलिगेशन है या वो कोई ऑफेंस कमिट करके आया, आपने कोई सजा सुना दी उसे, ना। सजा भी कैसी होनी चाहिए, जहां स्कोप हो उसके रिहैबिलिटेशन का, कि उसका रिहैबिलिटेशन हो पाए, दोबारा वो सोसाइटी में एज अ नॉर्मल सिटीजन सर्वाइव कर पाए, ये मौका हमें उसे देना है। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस एक्ट, और उसके लिए भी यहां चीजें हैं। अब जो बात करी मैंने कि चिल्ड्रन इन केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ, या चिल्ड्रन दोज हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन लोगों के लिए क्या है, इनको कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे? तो एक मींस हो सकता है कि आप ऐसे बच्चे, एक तो वो जिनकी फैमिली या पेरेंट्स हैं उन तक उन्हें पहुंचा दिया जाए, और अगर वो ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या किसी तरीके का अत्याचार कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, या फिर उनको समझा बुझा के सेटलमेंट कराया जाए। बट ऐसे बच्चे जो ऑर्फन है, जिनका कोई नहीं है, उनको हमें रेडी करना है फॉर अडॉप्शन। अगर ऐसा पाया जाता है कि उनका कोई नहीं है, तो अगर उनका एडॉप्शन करा दिया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने बच्चे या तो नहीं है या फिर वो चाहते हैं उसके बाद भी, अपने चाइल्ड होने के बाद भी, कि वो अडॉप्ट करें किसी ऐसे अबैंडन्ड बच्चे को। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच इज डील्ड अंडर दिस एक्ट। क्योंकि चाइल्ड केयर सिर्फ यही खत्म नहीं होती कि जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है आपने उसकी वो फुलफिल कर दी। भाई इमीडिएट तो आपने कर दी, अब उसके आगे के जीवन में उसे कौन संभालेगा? तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि अडॉप्शन करवा दिया जाए, तो इसका भी प्रोसीजर यहां दिया है। दो अडॉप्शन और भी कई सारी सारी चीजों से गवर्न होता है। आप सब मेरे ख्याल से इस बात से वाकिफ होंगे, एक अथॉरिटी है कॉल्ड कॉल्ड कारा जो इस अडॉप्शन को डील करती है इंडिया में। बाकी पर्सनल लॉ में भी अडॉप्शन डील होता है, तो वो सब अपनी जगह है। दिस लॉ इज नॉट इन कंट्रावेंशन टू देम, वो अपनी जगह है। इसने भी अपने प्रावधान दे दिए हैं फॉर अडॉप्शन, क्योंकि यहां हमें किनको डील करना था? Children in need of care and protection, ऐसे बच्चे जिनको care और protection की जरूरत थी, उनके लिए भी हमने इस act में भी हमने adoption के provisions रख दिए। ठीक, so ये पूरा structure होगा, या ये वो चीजें हैं जो हमें इस particular act में पढ़नी है। I hope एक overview आपको समझ में आया कि हम किस किस बारे में बात करेंगे। अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि इतनी चीजों में हम डील करने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस एक्ट में कैसा है थ्रू दी कंटेंट। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें हैं, तो एक बार मैं आपको ब्रीफ में वो बता दूं। यहां देखिए, सबसे पहले चैप्टर डील करेगा प्रिलिमिनरी में, एक्सटेंट वगैरह बताएंगे, डेफिनेशंस बताएंगे, ये सब होगा। चैप्टर टू है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन है, उसमें बस गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उस हर व्यक्ति को या उन सारी अथॉरिटीज को जिनके पास कोई भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्ट के अंदर है, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी अगर जुवेनाइल आता है तो उसको इनोसेंट आपको मानना है, इस तरीके से आपको प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऐसी होती है कि द अक्यूज्ड इज कंसीडर्ड टू बी इनोसेंट एंड द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन। नेचुरल जस्टिस
फॉलो हो, ये सब देखना है। और क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव मैटर हैं, बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं, तो थोड़ा अफेक्शन इमोशन उनकी तरफ होना चाहिए। आप उनको हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इस तरीके की बहुत सारी गाइडलाइन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक सेक्शन में दी हुई है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए आप, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं यहां से मेजरली वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी। जैसे चैप्टर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो मैंने आपको बताया ना कि जो ऐसे चिल्ड्रन है, दोज हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उनको डील करने के लिए कौन है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, कौन कौन मेंबर्स होंगे, क्या फंक्शन होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारी बातें इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 4 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, इनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा। क्योंकि भाई साहब, जो पहले जो ये 2015 का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो एक्ट है, उसके बाद 2021 में इसमें काफी चेंजेस भी हुए हैं, है ना। आप सब जानते होंगे निर्भया इंसिडेंस जो हुआ था 2019 का, दिल्ली गैंगरेप, उसके बाद काफी ये डिमांड बढ़ गई। पहले से भी कुछ इंसिडेंट्स में ये चीज था, क्योंकि एक अक्यूज जो केस में था, ही वॉज इन बिटवीन 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, और उसको 2 साल एक शेल्टर होम में भेज के और उसके बाद रिहा कर दिया गया। इस बात से काफी आउटरेज हुआ। तो जो 16 से 18 साल के बीच के जुवेनाइल्स हैं, और अगर उन्होंने कोई हीनस ऑफेंस किया है, तो उसके लिए एक प्रावधान ये डाला गया है कि अगर बोर्ड को लगता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, तो उनकी एज एन एडल्ट भी ट्रायल चलाई जा सकती है, जरूरी नहीं है। ये किस अमेंडमेंट से हो गया है और उसके बारे में अपन सारी बात करेंगे, क्या है वो कहानी। जो भी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है उनके संबंध में, वो सब इस चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर 5 आएगा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये वो कमिटी है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, चाइल्ड केयर कमिटी मैंने इसको बोल दिया था, बट द करेक्ट नेम दैट इज एज पर द एक्ट इट इज चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। काम उनका वही है, जो इस तरीके के बच्चे हैं जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन्हें ये प्रोवाइड कराएंगे। तो इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन लोग इसमें होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो सारी बातें हम इधर पे देखेंगे। इसके बाद अब, क्योंकि इस पहले बोर्ड बताया है मैंने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, फिर उन बच्चों से रिलेटेड प्रोसीजर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिनका लॉ के साथ है, जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है, फिर हमने कमिटी के बारे में बता दिया, फिर उनके बारे में वो प्रोसीजर बताएंगे कि ये कमिटी इन बच्चों में डील कैसे करेगी, ये कमिटी किनके साथ डील करेगी, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उससे रिलेटेड पूरा प्रोसीजर बताया है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और ये जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है, वो प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कम है। अभी सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन मैं आपको बताते जाऊंगा, कौन सा एग्जाम के लिए याद रखना, क्या नहीं रखना है, लेकिन समझना बेटा सब है। ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा तो एक्ट इजी हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि दोनों कैटेगरी के लोग, दोज हु ऐसे चिल्ड्रन या दोज चिल्ड्रन हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको भी आपको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में एक जगह देनी है। ऐसे चिल्ड्रन, दोज हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको भी आपको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, उनका रिहैबिलिटेशन करना है, उनको रीइंटीग्रेट करना है समाज में एक अच्छे सिटीजन की तरह। तो उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, क्या करा जाना चाहिए, वो सब इस चैप्टर में है, और ये प्री के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डली देयर आर फ्यू डिटेल्स जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं स्पेसिफिकली मार्क कराऊंगा, लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट जानना है आपको इसका। इसके बाद अगला चैप्टर, जैसा मैंने कहा, एडॉप्शन में डील करता है, क्योंकि भाई वो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, अब अथॉरिटीज जो हैं या सरकार है, वो जीवन भर केयर नहीं कर सकती, फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, उसके बाद दे लुक कि भाई कोई ऐसी फैमिलीज हो जिन्हें उन बच्चों को अडॉप्ट करना हो तो वो कर लें। सो उसके बारे में प्रोविजन और प्रावधान इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। उसके बाद एक पार्ट और है इस पर्टिकुलर एक्ट में, चैप्टर 9, जिसका नाम है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यहां कुछ और ऑफेंसेस हैं जो बच्चों के अगेंस्ट हो सकते हैं, वैसे तो पॉक्सो है, बट पॉक्सो मेजरली डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पॉक्सो का, बट यहां जो ऑफेंसेस हैं जो कि एक बच्चे के अगेंस्ट हो सकते हैं, एक ब्रॉड कैटेगरी है।
और आईपीसी में भी ऑफेंसेस हैं, आप जानते हैं, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, और उनके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन आईपीसी में भी है। उसी के साथ साथ यहां भी कुछ और प्रोविजंस दिए हुए हैं उसी तरीके के। उसके बाद मिसलेनियस में कुछ बातें हैं इस एक्ट से रिलेटेड, यहां भी बहुत कम डिटेल रिक्वायर्ड है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रायोरिटी पे इंपॉर्टेंस है चिल्ड्रन इन केयर, और उसके बाद एडॉप्शन या रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही कम है, एडॉप्शन फिर भी थोड़ा सिग्निफिकेंट है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको एक स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया इस एक्ट का, और आपको ये भी समझ में आ गया कि एक्ट किन किन चीजों में डील करेगा, क्या क्या बात करेगा। अब आपको प्रोविजन पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी हम उन डिटेल्स पे आए जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनने हैं। चैप्टर वन, जैसा मैंने आपको बताया, प्रिलिमिनरी, तो सेक्शन वन में दिया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। ठीक, एक्सटेंट इसका पूरे भारत में है, पूरे भारत में एप्लीकेबल है ये एक्ट, नाम आपको पता ही है। डेट ऑफ कमेंसमेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ लिखी हुई है 15 जनवरी 2016 को ये एनेक्ट हुआ है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद अपन आ जाते हैं डेफिनेशन सेक्शन टू। अब देखिए, इस सेक्शन टू में 61 डेफिनेशन है, 61 एक हटा दी गई है चौथी, लेकिन टोटल नंबर जो है तो अभी भी आपके पास 60 डेफिनेशंस हैं। क्या हम सारे क्लॉजेस याद रख सकते हैं किस में क्या है या सबका मतलब? बिल्कुल नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सब इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तो यहां मैं सिर्फ उन पे ध्यान दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो इंपॉर्टेंट है या फिर इस एक्ट को समझने के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं दोनों बातें आपको बताते चलूंगा कौन सी सिर्फ हम सेक्शन सॉरी इस एक्ट को समझने के लिए देख रहे हैं और किस में से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। सबसे पहले है अबेंडेंट चाइल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबेंडेंट चाइल्ड कौन होगा। अब आपके जहन में अगर कॉमन पार्लेंस से आप सोचेंगे तो अबेंडेंट चाइल्ड कोई भी जिसको उसके पेरेंट्स ने फैमिली में ने छोड़ दिया है और सड़क पे घूम रहा है, उसका कोई है नहीं, इस तरीके का एक परसेप्शन आपके दिमाग में होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि अबेंडेंट चाइल्ड यहां एक कमिटी डिक्लेयर करेगी तब वो कहलाएगा। देखिए, अबेंडेंट चाइल्ड मींस अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड पेरेंट्स और गार्जियंस, गार्जियन या पेरेंट ने छोड़ दिया है, दैट इज फाइन, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबेंडेंट बाय द कमिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटी जब तक डिक्लेयर नहीं करेगी एक चाइल्ड को अबेंडेंट, तब तक वो अबेंडेंट चाइल्ड नहीं कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस दिस एक्ट। और ये कमिटी कौन है? ये कमिटी है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ठीक, चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, वही जो अभी हमने पढ़ा, जो इसमें कमिटी जहां भी लिखा रहेगा वही रेफरेंस है जो केयर करने के लिए। इसके बाद इसका क्लॉज टू है एडॉप्शन, बताता है कि एडॉप्शन क्या होगा। तो एडॉप्शन सिर्फ क्लॉज के लिए पढ़ लीजिए कि किस क्लॉज में एडॉप्शन दिया। एडॉप्शन का मतलब आप जो जनरल पार्लेंस में समझते हैं वही है कि एडॉप्शन के बाद उसके जो नेचुरल पेरेंट्स हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनके साथ उसका रिश्ता खत्म हो जाता है लीगली, और अब वो एडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्होंने उस बच्चे को एडॉप्ट कर लिया है उसके साथ उसका पूरा लीगल रिलेशन क्रिएट होता है, उन पेरेंट्स के साथ इस बच्चे का लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाता है, उन पेरेंट्स के प्रॉपर्टी और बाकी जो भी फैमिली से रिलेटेड राइट्स हैं वो सब इस बच्चे को मिल जाते हैं, दैट इज एडॉप्शन। इसके बाद सीधे फिफ्थ पे आइए, आफ्टर केयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो आफ्टर केयर बेसिकली ऐसे लोगों की बात चल रही है जो 18 से ऊपर है लेकिन 21 से कम है। अब क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि बस 18 तक होगा तब तक ही आप देखोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे, 18 से 21 भी एक डेलिकेट एज है, इसीलिए कई बार उसे 18 से 21 के बीच के एक बच्चे को भी केयर की जरूरत है। अगर वो पहले जुवेनाइल केयर में रहा है किसी भी फॉर्म में, दोनों में से किसी भी तरीके से, तो उसको आफ्टर केयर भी दी जाएगी, कि ऐसा नहीं होगा कि तुम 18 के हो अब बिल्कुल आपको भगा दिया जाएगा कि अब अपना देख लो, ऐसा नहीं, 18 से 21 में भी उसे आफ्टर केयर भी प्रोवाइड करी जाएगी, दैट्स व्हाट आफ्टर केयर हेयर मींस। इसके बाद सीधे आ जाइए 10, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्लॉज ध्यान रखिएगा कि बोर्ड की डेफिनेशन कहां दी है, और बोर्ड जहां भी इस एक्ट में वर्ड यूज होगा
आप बोर्ड से क्या समझेंगे? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कहां दिया है कि किन किन को मिला के ये बोर्ड बनता है? वो सेक्शन 4 में दिया है। इसके बाद क्लॉज 12 इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड। चाइल्ड कौन होगा? कोई भी बच्चा जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट ना करी हो वो चाइल्ड है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहीं सेक्शन में अलग से डिफाइन नहीं है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का तो पूरा कंपोजिशन सेक्शन 4 में दिया है, तो वहां सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द नंबर ऑफ द क्लॉज। बट यहां पे क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं और डिफाइंड नहीं है। सो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मींस अ चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ऐसा बच्चा जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर ये पाया गया है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ये ध्यान रखिएगा। और जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया है या उस पर जो एलिगेशन लगे हैं कि उसने एक पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, ऑफेंस को करते समय वो 18 से कम का होना चाहिए। भले जब वो पकड़ा गया या जब उसकी ट्रायल चल रही तब उसकी उम्र 19 है या 20 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस समय उसने वो ऑफेंस कमिट किया था तब वो 18 से कम का होना चाहिए, तभी उसे कहा जाएगा चाइल्ड इन, तब भी उसे कहा जाएगा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, भले आज उसकी उम्र उससे ज्यादा हो। ठीक। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसके बाद दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की जिनके साथ ये एक्ट डील करता है, ये क्लॉज 14 में दिया है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कौन है वो बच्चे? तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन है, बाकी बेसिक आप एक बार ग्लैंस ले सकते हैं, इसलिए मैंने चीजें इसमें से हटाई नहीं है जो आप एक रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। जो एकदम ही इरेलेवेंट सेक्शन है जिनसे कोई चांस नहीं है क्वेश्चन आने का, उसका कंटेंट मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया है। तो ऐसे बच्चे जिनको अबेंडन कर दिया है, घर वालों ने छोड़ दिया है, जिनके गार्जियन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है लिविंग, है ना, बेगिंग कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में है, इन बच्चों को नॉर्मली हम या तो निग्लेक्ट कर देते हैं या उनका मजाक बन जाता है। दे एक्चुअली नीड केयर, और उनकी केयर का भी प्रोविजन इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। जैसे बीच में आपने देखा कुछ ऐसे मीम्स आए, ऐसी क्लिपिंग्स आई जिसमें छोटा बच्चा है जो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग लेता है, उसका लोग मजाक बना रहे हैं। एक्चुअली दैट चाइल्ड नीड्स केयर, और उसका ध्यान रखने के लिए ये एक्ट है। तो ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है कौन कौन वो कौन से वो चिल्ड्रन हैं जिन्हें केयर की जरूरत है। क्लॉज याद रखिएगा एग्जाम के लिए। 16, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। मैंने कहा कि भैया ऐसे अबेंडेंट जो चाइल्ड है उनको क्या करा जाएगा? अडॉप्शन के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। सो कब वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल होगा? जब उसे डिक्लेयर कर दिया जाए चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। ये डिक्लेरेशन कहाँ होता है? सेक्शन 38 में इंक्वायरी करने के बाद डिक्लेयर होता है, और कमिटी डिक्लेयर करती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधे आ जाइए 20, चिल्ड्रंस कोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। किस क्लॉज में दिया है चिल्ड्रन कोर्ट और इसका मतलब क्या हो गया, किसे चिल्ड्रन कोर्ट माना जाएगा? दोनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चिल्ड्रन कोर्ट में क्या क्या आएगा? वो कोर्ट जो स्टैब्लिश हुए हैं अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत जो कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट हो सकते हैं, या फिर और अ स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट के तहत जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं वो भी चिल्ड्रन कोर्ट माने जा सकते हैं। और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है किसी जगह किसी डिस्ट्रिक्ट में, इन दैट केस कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा उस केस में जहां इन दोनों में स्टैब्लिश्ड कोर्ट्स नहीं है स्पेशल, ठीक, उसे हम मानेंगे चिल्ड्रंस कोर्ट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अलग है, चिल्ड्रंस कोर्ट अलग है। बोर्ड का अलग काम है, कोर्ट का अलग काम। कोर्ट का बेसिक काम ट्रायल करने का, लेकिन जो बोर्ड है वो पहले मैटर को समझेगा। दैट इज द प्रोसीजर जो कि डील होगा विद एनी चाइल्ड हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। चलिए अभी उसके बारे में डिटेल में दोनों बात करूंगा। इसके बाद 22 में दिया है कमिटी। जहां भी कमिटी वर्ड यूज होगा, कमिटी
किसको रेफर कर रहे हैं कमिटी वर्ड से? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को, जो कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर सेक्शन 27, 27 में जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके लिए वर्ड कमिटी हर जगह यूज किया गया है। 26 है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि 2021 के अमेंडमेंट से चेंजेस हुए हैं इसीलिए थोड़ा सिग्निफिकेंट ही आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है ये फंक्शन करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर, और स्टेट गवर्नमेंट इसे स्टैब्लिश करती है। 2021 के अमेंडमेंट ने काफी सिग्निफिकेंट रोल इंक्लूड किया है इस एक्ट में डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। वो कई जगह है, मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद सीधे आ जाइए 27 क्लॉज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिट फैसिलिटी किस क्लॉज में होता क्या है। फिट फैसिलिटी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक बच्चे को रखा जा सकता है केयर करने के लिए, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई भी हो सकती है। फिट पर्सन 28 में बताया गया है। फिट पर्सन कोई है, कौन है? कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक, फिट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फिट पर्सन एक व्यक्ति होगा जिसको किसी बच्चे की केयर दी जा सकती है फॉर द टाइम बी, उसको हम कहते हैं फिट पर्सन। इसकी डेफिनेशन 28 क्लॉज में दी है। इसके बाद 29 है फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर का मतलब ऐसी केयर जो घर की तरह उसे रखे, होमली एनवायरनमेंट में एक बच्चे को। देखिए अब इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी आप देखेंगे अलग अलग तरीके के स्पेशल होम है, केयर यूनिट्स हैं, वो सब है, लेकिन एक बच्चा क्योंकि एक टेंडर एज में होता है उसे घर का एनवायरनमेंट चाहिए, वो उसके लिए जरूरी है। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है, जो पर्टिकुलर कोई भी फैमिली हो सकती है, वो जो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है, कोई दूसरी फैमिली जो उसकी केयर कर सकती है, उसको अपन कहते हैं नॉर्मली फॉस्टर केयर, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट उसे दे पाए। 29 क्लॉज में इसे बताया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जहां जहां ये एक्ट रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लॉज 33। हीनस ऑफेंसेस क्या होंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस क्लॉज में दिया है ये भी और होते क्या है, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मिस हो गया है हाईलाइटिंग मुझसे। इंक्लूड्स द ऑफेंसेस फॉर व्हिच द मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर। कम से कम पनिशमेंट जिस ऑफेंस में 7 साल या उससे ज्यादा का दिया हुआ है, मिनिमम पनिशमेंट जहां 7 साल है, वो हीनस ऑफेंसेस माने जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक, तीन तरीके के ऑफेंसेस की बात करेगा ये, हीनस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस, तीनों क्या होते हैं अभी बताया है डेफिनेशन में। तो हीनस वो होंगे जिनमें कम से कम 7 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सके। इसके बाद देखिए जुवेनाइल को डिफाइन किया है क्लॉज 35 में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्लॉज भी ध्यान रखिएगा। और जुवेनाइल होता कौन है? तो कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम है। जुवेनाइल जब हम रेफर कर रहे हैं किसी चाइल्ड को, तो नॉर्मली किसके लिए रेफर कर रहे हैं इस एक्ट में? दो फॉर दोस हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्फन, क्लॉज 42 में दी हुई है। ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हु इज विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, जिसके ना तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, अडॉप्टिव नहीं है, और कोई भी लीगल गार्जियन नहीं है, या फिर लीगल गार्जियन है तो वो उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे को कहते हैं ऑर्फन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 45। जैसा मैंने कहा तीन तरीके के ऑफेंसेस की बात है, हीनस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस। 45 में पेटी ऑफेंस बताए हैं। तो पेटी ऑफेंस कौन से होंगे फॉर दिस एक्ट? ऐसे ऑफेंस जिनका इंप्रिजनमेंट 3 साल तक है, 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंस पेटी ऑफेंस कहलाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो प्लेस ऑफ, अब यहां पे ना कई तरीके के, जैसे मैंने कहा ना अलग अलग तरीके के होम्स के बारे में बताया है, उन्हीं में से एक है आपका प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी नॉर्मली वो जगह है जहां थोड़े से सीरियस ऑफेंडर्स जो हैं, जुवेनाइल ऐसे जिन्होंने थोड़े सीरियस कुछ, या तो वो कन्विक्ट हो चुके हैं उस तरीके के हैं, उन्हें रखा जाता है सेफ्टी होम में। तो सेफ, प्लेस ऑफ सेफ्टी मीन्स एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशन नॉट बींग अ पुलिस लॉकअप और जेल।
ये जो प्लेस ऑफ सेफ्टी है ये कभी भी पुलिस लॉकअप और जेल नहीं होगा। जुवेनाइल को जेल या पुलिस लॉकअप में तो नहीं रखना है, आपको जो नॉर्मल क्रिमिनल है हार्डकोर क्रिमिनल है उनके साथ इनको कभी नहीं रखना है। तो ये कौन से होते हैं, किन लोगों को रखने के लिए, कैसे बच्चों को, चिल्ड्रन एलिज्ड और फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे बच्चे जिन्हें पाया गया है, वही जनरल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिन्होंने ऑफेंस कमिट कर दिया है या जिन पे एलिगेशन है, उनको रखने के लिए जो जगह होगी दैट विल बी प्लेस ऑफ सेफ्टी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 52, रिलेटिव कौन होगा, ये किस पर्पसेस के लिए पढ़ रहे हैं अपन, एडॉप्शन के लिए, क्योंकि एडॉप्शन में भी डील करता है यार। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडॉप्शन रिलेटिव कौन होगा ये देख लीजिए, पैटर्नल अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकती है, मेटरनल अंकल और आंट हो सकते हैं, पेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, ये सब हो सकते हैं रिलेटिव एक बच्चे के फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 54, तीनों ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, सीरियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस, हीनस ऑफेंस। तो देखिए सीरियस ऑफेंस कौन से होंगे, अब देखो हीनस ऑफेंस में हमने देखा वो ऑफेंस जिनका कम से कम पनिशमेंट 7 साल है, जिनका मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है वो हीनस है, बाकी और पेटी ऑफेंस वो है जो 3 साल तक पनिशेबल है, इसके अलावा जितने बचे वो सब सीरियस। ठीक, तो सीरियस की डेफिनेशन चेंज करी गई है 21 में, पहले बहुत क्लियरली लिखा था कि वो सारे ऑफेंस जो 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है वो उनको बताया गया था, लेकिन 21 के अमेंडमेंट से इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। ऐसे ऑफेंस जिनका मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो मोर देन 3 ईयर्स है और 7 साल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तो अगर मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है तब तो वो हीनस ऑफेंस बन गया, यहां पे मिनिमम पनिशमेंट है लेकिन वो 3 साल से 7 साल के बीच में है तो वो क्या होगा, सीरियस ऑफेंस। सेकेंड में बताया है मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 ईयर्स, मैक्सिमम जिसका 7 से ज्यादा हो, बट नो मिनिमम इंप्रिजनमेंट और मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर्स, लेकिन जिसका या तो उसमें मिनिमम हो ही ना या फिर 7 साल से कम हो, क्योंकि मिनिमम अगर 7 साल है तो वो सारे के सारे ऑफेंस क्या बन गए, हीनस ऑफेंस बन गए, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज अबाउट ऑफेंसेस। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया कंटेंट वाले पार्ट में ही, कि जो चैप्टर 2 है जनरल प्रिंसिपल बताता है केयर प्रोटेक्शन के बच्चों से रिलेटेड, सेक्शन 1 ही डील होता है इसमें, सेक्शन 3, जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, इस एक्ट को एडमिनिस्टर करने में कौन से जनरल प्रिंसिपल ध्यान रखे जाएंगे, उसके बारे में पूरी कहानी है जो कि प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर भले ही आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम आप याद रखिए, बाय चांस ये आपसे पूछा जा सकता है, बस इससे ज्यादा जो डिटेलिंग है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक इंट्रो के लिए मैंने आपको बताई दिया किस तरीके की चीजें, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो बच्चा है वो इनोसेंट है ना, और उससे रिलेटेड किस तरीके का कंडक्ट होना चाहिए ऑफिसर्स का, उसको डेलिकेसी के साथ डील करना है, उसको हार्श क्रिमिनल की तरह नहीं करना, वो सारी बातें और गाइडलाइंस लंबी चौड़ी इसमें दी हुई है। अपन आ जाते हैं इसके बाद अगले चैप्टर पे सीधे। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जैसा कि हमने देखा कि सेक्शन 4 में दिया हुआ है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेक्शन ही, सेक्शन 4 में दिया हुआ है, कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इसे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक, और ये किन से रिलेटेड है, किन के साथ डील करेगा, तो रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन उनके लिए तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है हमारे पास। इसके बाद इस बोर्ड में होगा कौन कौन, तो देखिए मेंबर कौन कौन होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे इसमें, नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CMM या CJM नहीं होंगे, CJM के अलावा जो JMFC है वो इसके मेंबर होंगे जिनका एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसे JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो ये होंगे, क्योंकि ये जो हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं इनको प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट डेजिग्नेट किया गया, होते हैं ये भी
अथॉरिटीज एक्ट में, लेकिन इनको क्या डेजिग्नेट किया गया है, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। उसके अलावा होते हैं बोर्ड में आपका, एक आपका हो जाएगा जेएमएफसी या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और उसके अलावा टू सोशल वर्कर्स, उसके अलावा दो सोशल वर्कर होंगे जिनमें से एटलीस्ट एक वेमेन हो उन दो में से, और इनको मिला के ये जो सारे मेंबर जो जेएमएफसी हो गए, दो दूसरे मेंबर हो गए, इनको मिला के जो बेंच बनेगी, इस बेंच को के पास कौन से पावर होंगे, वो पावर्स होंगे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होते हैं या फिर जेएमएफसी के पास होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो पावर होते हैं, वो सारे पावर इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भी होंगे। इसमें एक आपके जेएमएफसी या एमएम होंगे, उसके अलावा दो मेंबर और हो गए, और उन दो में से एक वुमेन होंगे। इसके बाद और भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं इस बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जो सोशल वर्कर की हमने बात करी कि दो सोशल वर्कर भी इसके मेंबर होंगे, वो कोई भी सोशल वर्कर नहीं होंगे, ऐसे सोशल वर्कर होंगे जिन्होंने बच्चों से रिलेटेड काम किया, उनकी हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर एक्टिविटीज करी हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, 7 साल तक उन्होंने इस फील्ड में काम किया हो, तभी उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। किसी भी समाज सेवी को ये नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी युवा नेता हैं सब समाज सेवी हैं, तो ऐसे किसी को भी उठा के नहीं रख दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने ऑन फील्ड 7 साल बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया हो, तब उसे रखा जाएगा। फोर का भी एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ, किसको नहीं सेलेक्ट करेंगे ये बताया है। तो अगर वो खुद इन्वॉल्व है ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट्स के वॉयलेशन में, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा है और टर्मिनेट हुआ है, इस तरीके का कंडक्ट है, तो उसको रखा नहीं जाएगा। इसके बाद सीधे 7 पे आ जाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका जो सबसेक्शन 7 है, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कौन होंगे बोर्ड में, सीजेएम या सीएमएम, वो अलग है। उसके अलावा जेएमएफसी या एमएम प्लस दो सोशल वर्कर की बात अपन ने करी थी। तो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के अलावा मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाकी मेंबर्स को टर्मिनेट किया जा सकता है ठीक इंक्वायरी करने के बाद। किन ग्राउंड्स पे टर्मिनेशन होगा, अगर वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं जेजे बोर्ड में, तो टर्मिनेशन हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट है, फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर 3 मंथ्स, लगातार 3 महीने तक प्रोसीडिंग्स ही अटेंड नहीं कर रहे हैं बिना किसी वैलिड रीजन के, या फिर फेल्स टू अटेंड मिनिमम 3/4 ऑफ द सिटिंग इन एयर, एक साल में टोटल जितनी सिटिंग हुई है उनमें से 3/4 कम से कम उन्होंने अटेंड नहीं करी है, बिकॉज ऑफ नॉन अटेंडेंस भी इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद इससे रिलेटेड और प्रोविजंस हैं, प्रोसीजर, बोर्ड के पावर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप सेक्शन 8 सिर्फ मार्क कर सकते हैं कि पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की, वो किस सेक्शन में दी है। काम बड़े ही ऑब्वियस हैं, ओवरव्यू मैंने इसीलिए आपको एक्ट का पहले दे दिया कि ये करता क्या है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको उसको पढ़ने में या समझने में नहीं होगी। सिर्फ इतना और आप याद रख सकते हैं यहाँ कि सेक्शन 8 में पावर्स दी, इससे ज्यादा इन सेक्शंस में ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अ मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। अब देखिए, इस एक्ट में हमने कुछ स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट्स को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर बनाया है, लेकिन जब भी किसी अक्यूज को पकड़ा जाता है, आप जानते हैं 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, उससे ज्यादा पुलिस रख नहीं सकती। तो बाई चांस अगर किसी जुवेनाइल को पकड़ा जाता है और उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है जो कि बोर्ड का मेंबर नहीं है एज सच, तो वो उस बच्चे को क्या करेगा, तुरंत अगर उसे देख के लगता है कि इज अ चाइल्ड, तो उसको तुरंत फॉरवर्ड करेगा किसको, जेजे बोर्ड को, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा बस। इसके बाद आ जाइए 10, नेक्स्ट जो सेक्शन है, अगला चैप्टर आ गया आपका चैप्टर 4, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब वो सारे अक्यूज या वो बच्चे जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जिन्होंने या तो कोई ऑफेंस किया है या उनके अगेंस्ट एलिगेशन है कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, उनसे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है। हमने अथॉरिटी तो देख ली, हमने दो अथॉरिटीज की मैंने बात की थी इससे रिलेटेड, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और एक चिल्ड्रंस कोर्ट। अब बोर्ड का क्या काम है,
चिल्ड्रंस कोर्ट कब सीन में आएगा, ये सब प्रोसीजर इधर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 10 में एप्रिहेंशन से रिलेटेड, जब भी किसी ऐसे बच्चे को जुवेनाइल को पकड़ा जाएगा तो उसको नॉर्मल पुलिस हैंडल नहीं करेगी, पहली चीज। सो एज सून एज अ चाइल्ड एलिज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज एप्रिहेंडेड बाई दी पुलिस, सच चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसको सौंप दिया जाएगा, या फिर और द डिजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, या तो एक पुलिस ऑफिसर होता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, उसको सौंप दिया जाएगा। नॉर्मल पुलिस इसको हैंडल नहीं कर सकती, ठीक। और उसके बाद उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, एप्रिहेंड करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे बोर्ड के पास ले जाना होगा इस यूनिट को, ठीक। इसके बाद देखिए 11 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल ऑफ पर्सन इन हूज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस, जहां भी उसको रखा गया उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, बड़ी बेसिक सी जिम्मेदारियां हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो जब भी एक जुवेनाइल को, एक ऐसे चाइल्ड को हु इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ लाया जाता है, पहला प्रयास ये होगा कि उसे बेल दे दी जाए। पहली कोशिश तो, या पहले जो एंगल एक्सप्लोर करना है बोर्ड को, वो यही करना है कि भैया उसको बेल दे दी जाए। सो यहां लिखा है व्हेन एनी पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड एंड इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड अ बेलेबल और नॉन बेलेबल, कोई भी ऑफेंस किया उसने, बेलेबल और नॉन बेलेबल, पहला जो कोशिश होगी इज अप्रिहेंडेड और डिटेन्ड बाय द पुलिस और अपियर्स और ब्रॉट बिफोर अ बोर्ड, सच पर्सन शैल notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure or in any other law for the time being in force be released on bail. तो कोई भी बच्चा अगर लगता है कि वो child है, उसको लाया गया है allege करके कि उसने कोई offence commit किया, वो offence चाहे bailable हो या non bailable, पहला प्रयास तो board यही करेगा उसे bail दे दे, या फिर या तो bail दे दे surety लेके, अगर वो possibilities नहीं लग रही है उस बच्चे के केस में, ऐसे में उसको place कर देगा under the supervision of a प्रोबेशन ऑफिसर, एक प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में उसे छोड़ देगा, या फिर अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की केयर में, फिट पर्सन, अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन क्लॉज में, फिट पर्सन मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक बच्चे की केयर करने कर सकता है एक पर्टिकुलर केस में, वो फिट पर्सन होगा। इसके बाद देखिए यहां इसका सबसेक्शन 2 भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन सच पर्सन हैविंग बीन अप्रिहेंडेड इज नॉट रिलीज्ड ऑन बेल, पहली कोशिश तो आप करेंगे कि बेल पे छोड़ दें, अगर आपने उसको बेल पे नहीं छोड़ा है तो भी उसको जेल में नहीं डालना है, ये बात तो ध्यान रखिए, जुवेनाइल को जेल में तो रखा ही नहीं जाएगा, उसके साथ क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को द पर्सन टू बी केप्ट ओनली इन एन ऑब्जर्वेशन होम और अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, उसको कहां रखा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा या फिर ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, नॉर्मल जेल में या थाने में जो लॉकअप होता है वहां उसको नहीं रखा जाएगा। इसके बाद देखिए 13, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट गार्जियन प्रोबेशन ऑफिसर, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रख लीजिए कि जब भी कोई ऐसा चाइल्ड पुलिस के पास या उस यूनिट के पास आता है जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या एलिगेशन है, तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, पेरेंट्स गार्जियन को इन्फॉर्म करना है और प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करना होता है, बस ये दिया है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा। 14 है इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर का प्रोसीजर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से इंक्वायरी होगी उन बच्चों से रिलेटेड जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, बोर्ड का क्या प्रोसीजर होगा, क्या वो करेगा, उसको देखते हैं थोड़ा। तो जैसे ही कोई बच्चा लेके आया जाता है बोर्ड के सामने जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट है विद लॉ, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 17 या 18 में। बोर्ड क्या करेगा, या तो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद या तो सेक्शन 17 में ऑर्डर पास करेगा या फिर सेक्शन 18 में। अब ये ऑर्डर्स क्या होंगे, अभी 17 18 पे अपन आएंगे, लेकिन सीधे ऑर्डर पास नहीं होगा, इंक्वायरी होगी, उसमें क्या क्या चीजें होनी है वो देखते हैं। तो यहां देखिए द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी बोर्ड के सामने बच्चे को लाया जाएगा, लिखा है शैल होल्ड एन इंक्वायरी, उनको इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी करने के बाद वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, या तो सेक्शन 17 में ऑर्डर पास कर सकते हैं सेक्शन 18 में। क्या ऑर्डर होगा उस पर तो अभी अपन आते हैं, इंक्वायरी की जब जो बात हो रही है, 4 महीने के अंदर जब भी कोई जुवेनाइल बोर्ड के सामने लाया गया है 4 महीने के अंदर उनको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, अगर 4 महीने में नहीं हो पाती है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 2 मोर मंथ्स,
2 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक, इतने में आपको इंक्वायरी खत्म करनी है। इसके बाद इसका सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केस में होता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, वो देखिए। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट इन केस ऑफ हीनस ऑफेंसेस, हीनस ऑफेंस के केस में होगा। कौन से होते हैं हीनस ऑफेंस? जहां कम से कम, ऐसे ऑफेंस जो कम से कम 7 साल सजा से पनिशेबल है, इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स कम से कम जिसका पनिशमेंट है वो हीनस ऑफेंस है। उसकी जो प्रोसीजर है वो कहां दिया है? सेक्शन 15 में। शैल बी डिस्पोज ऑफ बाई दी बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और ऐसे मैटर को बोर्ड को 3 महीने में डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक, जहां भी हीनस ऑफेंस कमिट हुआ है वहां एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना है, और इस मैटर को कितने दिन में? 3 महीने में डिस्पोज ऑफ करना है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता क्या है? प्रिलिमिनरी असेसमेंट में देखिए, आपने सुना था वो चीज, या आपने वो चीज समझी होगी, आप जानते होंगे कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेके चेंजेस की बात की थी, कि 16 से 18 साल के बीच के जो जुवेनाइल है उनको आप एकदम वैसा मत समझिए, एकदम इनोसेंट मत समझिए, उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसीजर होना चाहिए। तो बिल्कुल उनके लिए अलग प्रोसीजर सेक्शन 15 में बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो बच्चा जो कि 16 से 18 साल की उम्र के बीच का है और उसने कोई हीनस ऑफेंस किया है तो सीधे उसको आप एज एन एडल्ट ट्रीट कर लोगे। बोर्ड विल डिसाइड, बोर्ड असेसमेंट करेगा सेक्शन 15 में, एंड दे विल डिसाइड वेदर ही शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट और नॉट। और अगर उनको लगता है कि ही शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, तो ही वो चिल्ड्रंस कोर्ट के पास उसको भेजेंगे। और ट्रायल भी कहां चलेगी? चिल्ड्रंस कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में नहीं, चिल्ड्रंस कोर्ट में उस बच्चे की ट्रायल चलेगी। और अगर उन्हें 15 में ही लगता है कि भाई ठीक है, जो भी ऑफेंस उसने किया है, चाहे वो हीनस ऑफेंस 6 से 18 के बच्चे ने किया हो या किसी और बच्चे ने कोई और पेटी ऑफेंस ही किया हो, उन्हें लगता है कि डिस्पोज ऑफ मैटर करना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं कोई भी दूसरा मेजर लेके। ये सब अभी 15 में दिया है, डिटेल में तो अपन उस पर आएंगे, लेकिन क्योंकि उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है इसलिए आपको थोड़ा सा कनेक्शन जानना चाहिए कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो सिर्फ हीनस ऑफेंस में होगा, और वो वहां जहां 15 जिस पे एप्लीकेबल है वहां एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट की जरूरत है। इसके बाद देखिए 4, इफ एनी इंक्वायरी बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर पेटी ऑफेंस रिमेन्स इनकंक्लूसिव इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, द प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। अब हमने देखा था कि ये जो इंक्वायरी है सेक्शन 14 की, जो बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है उस मैटर में, वो 4 महीने में जनरली कंप्लीट होनी चाहिए। 4 महीने नहीं हो पाई तो 2 महीने और इंक्रीज कर दिया जाएगा, 6 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई और ऑफेंस कैसा है? पेटी ऑफेंस है, तो उस इंक्वायरी को कंक्लूडेड मान लिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, द बोर्ड शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी। एक स्पीडी और फेयर इंक्वायरी के लिए बोर्ड को कुछ चीजें इंश्योर करनी है। क्या है वो? कुछ जनरल सी बातें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सीधे उन पे आ जाते हैं। डी में लिखा है, केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द बोर्ड थ्रू समन प्रोसीडिंग्स। पेटी ऑफेंसेस अगर किसी ने कमिट किया है, कोई भी पेटी ऑफेंस किया है, तो प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होगा? समरी प्रोसीडिंग अडॉप्ट होगा उस केस में। ठीक, अगर कोई सीरियस ऑफेंस की इंक्वायरी है, तो सीरियस ऑफेंस की जो इंक्वायरी, उसके लिए उसको करने के बाद ट्रायल का जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, दैट विल बी समन केस। समन केस का जो प्रोसीजर होता है वो होगा सीरियस ऑफेंस के केस में। हीनस ऑफेंस के केस में 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हीनस ऑफेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, फॉर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर, ऐसा बच्चा जो 16 से कम है और उसने हीनस ऑफेंस किया है तो अलग प्रोसीजर है, वो बोर्ड ही डिस्पोज ऑफ करेगा। और ऐसा बच्चा जो अबव 16 है लेकिन 18 से कम है, तभी वो जुवेनाइल है। ऐसे बच्चे ने अगर कोई हीनस ऑफेंस का कमीशन किया है तो उसको कैसे डील किया जाएगा? उसको डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 15। तो अभी जो मैंने पहले भी कहा था कि सेक्शन 15 में जो हीनस ऑफेंस की बात है, तो सेक्शन 15 में कौन से हीनस ऑफेंस की बात है? ऐसे हीनस ऑफेंस की बात है सेक्शन 15 में, उसका प्रोसीजर दिया है, या वो जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है जो कि होना है सेक्शन 15 में, वो किन ऑफेंसेस में होना है? प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऐसे हीनस ऑफेंस जो किसी ऐसे बच्चे ने कमिट किए हों जिसकी उम्र 16 साल से 18 साल के बीच है, क्योंकि ऐसे बच्चे के केस में ही आपको यह देखना है कि बोर्ड ही उसकी ट्रायल करेगा या फिर उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेजेगा। 16 साल तक के बच्चा, भले ही उसने हीनस ऑफेंस भी किया हो, बोर्ड को ही डील करना है, इसलिए वहां ये सब कार्यक्रम नहीं आएगा।
आप देखिए सेक्शन 15 पे अपन आ गए, प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हिनस ऑफेंस बाय बोर्ड। ये वही जो मैंने बताया, 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे ने अगर हिनस ऑफेंस किया है तो बोर्ड उस केस में एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा। ठीक, तो कोई भी ऐसा बच्चा चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16 इयर्स, 16 साल से ज्यादा का बच्चा है, उसने अगर हिनस ऑफेंस कमिट किया है तो बोर्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, उसका मेंटल स्थिति देखेगा, ये देखेगा कि वो कितना कॉम्पिटेंट है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्ट। इसमें बोर्ड हेल्प ले सकता है साइकोलॉजिस्ट की, सोशल वर्कर्स की, या स्पेशल तरीकों के जो जानकार हैं इस चीज के, जो साइकैट्रिस्ट वगैरह हैं, उन लोगों की भी हेल्प, ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भी हेल्प ये ले सकते हैं। इसके बाद इसका सबसेक्शन टू देखिए, वेयर द बोर्ड, अब देखिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा उन्होंने, सो वेयर द बोर्ड इज सैटिस्फाइड ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट दैट द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बोर्ड। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने के बाद दो में से किसी एक नतीजे पे कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे की बात हो रही है जिसकी उम्र 16 से 18 साल है और उसने एक हीनस ऑफेंस कमिट किया है। तो असेसमेंट करने के बाद दो में से एक कंक्लूजन पे बोर्ड को पहुंचना है, या तो वो ये कंक्लूड करेगा कि हम खुद ही इसको ट्राई करेंगे, या तो वो ये कंक्लूड करेगा कि नहीं यार इसको ट्राई करना चाहिए बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, इसको एज एन एडल्ट ट्राई कराना चाहिए बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, इन दैट केस फिर वो ट्रायल करेंगे। तो दोनों में से एक कंक्लूजन, तो अगर कोर्ट को लगता है कि हमें करना चाहिए तो वो खुद उस हिसाब से डिस्पोज ऑफ करेंगे कि इसको अगर उन्हें डिस्पोज ऑफ करना है। उसके अलावा बीच में एक सेक्शन आ जाता है 16, जिसका थोड़ा सा इसमें कनेक्शन, एक्चुअली 15 के बाद सीधे 17 18 कनेक्टेड सेक्शन है, 16 बस बीच में आके इतनी सी बात बता देता है कि रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, वो जो सारी इंक्वायरी चल रही है ऊपर सेक्शन 14 की, वो कितनी टाइम हो गया है, पेंडेंसी में क्या चल रहा है, उस पर सुपरविजन या निगाह किसकी होगी, तो वो होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की, क्योंकि बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो अगर डिले कर रहे हैं इंक्वायरी में, उसमें डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, इन दैट केस दे विल चेक दैट पेंडेंसी कितनी है, इस पे रिव्यू करने का काम इनका रहेगा। अब आते हैं 17 पे, जिसकी बात एक्चुअली सेक्शन 14 ने भी करी, ठीक है, कि भैया इंक्वायरी करने के बाद आप ऑर्डर पास करेंगे या तो 17 में या तो 18 में, तो वो क्या ऑर्डर्स होंगे, तो देखिए उसको समझते हैं थोड़ा। 17 कहता है ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब एलिश तो किया गया था चाइल्ड को कि भाई साहब इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, अब बोर्ड ने पूरा अपनी इंक्वायरी करी, किस किस सेक्शन में इंक्वायरी करी, सेक्शन 14 में बोर्ड पूरी इंक्वायरी करेगा, 4 महीने में करना है, 4 महीने में नहीं हो पाए तो 2 महीने और ले सकते हो। उसके बाद अगर बोर्ड को लगता है कि इस बच्चे ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, अगर इफ दे फाइंड हिम नॉट गिल्टी, ऐसे केस में किस सेक्शन में ऑर्डर पास करेंगे, 17 में। Where a board is satisfied on inquiry that the child brought before it has not committed any offence, the board shall pass order to that effect. तो उस effect में order pass कर देंगे कि इसने कुछ नहीं किया, इसको release कर दिया जाए। अब release करके आप छोड़ोगे काम, मान लीजिए वो abandoned बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको केयर की जरूरत है, सड़क पे घूमता है और उस पर एलिगेशन लग गया था कि इसने ऑफेंस कमिट किया, तो मैंने आपको कहा ना इनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि डिसाइड कर दिया आपने, उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या होना है ये भी आपको देखना है। यू हैव टू इंश्योर अ गुड लाइफ, उसका सोशल इंटीग्रेशन कैसे होगा, समाज में वो एक अच्छे इंसान की तरह कैसे इंटीग्रेट होगा, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसके लिए इसका सबसेक्शन 2 कहता है, इन केस इट अपीयर्स टू द बोर्ड दैट द चाइल्ड रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इट मे रेफर द चाइल्ड टू द कमिटी विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। तो ये अब देखो बोर्ड ने अपना काम कर दिया, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि साहब इसने ऑफेंस नहीं किया है, अब उसको आप सड़क पे नहीं छोड़ देंगे, उसको अगर केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको किसके पास भेजा जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास, तो उसको वहां फॉरवर्ड कर देंगे। सेक्शन 18 बात करता है उन ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब भैया जो 14 में इंक्वायरी, उसके बाद या तो बोर्ड जो है वो ये फाइंड करेगा कि बच्चा गिल्टी नहीं है, और या तो फिर ये फाइंड करेगा कि गिल्टी है, दैट द चाइल्ड इज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, वाकई उसने किया है, तो फिर उस हिसाब से ऑर्डर पास करेगा। उसमें भी ऑर्डर पास क्या करेगा, जेल नहीं भेज देंगे उसको, उसको इंप्रिजनमेंट में नहीं रखेंगे, उसके लिए अलग मेजर्स हैं, क्योंकि हमें उसको मेन स्ट्रीम में लाना है मेजरली, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उससे रिलेटेड क्या होगा देखिए, वेयर अ बोर्ड इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी दैट अ चाइल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी एज का हो, हैज कमिटेड अ पेटी ऑफेंस। अब देखिए कब बोर्ड एक्शन लेगा और कब वो चिल्ड्रंस कोर्ट को बीच में लाएगा, ये समझना जरूरी है,
किन ऑफेंसेस के केस में बोर्ड खुद ही डिसाइड कर सकता है, अगर उन्होंने ये फाइंड किया कि बच्चे ने ऑफेंस किया है तो खुद ही उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे वो अपने, क्योंकि ये सजा नहीं देते नॉर्मली, ये उसको रिहाब में रखेंगे, सेफ्टी हाउस में रखेंगे जहां वो दूसरे ऐसे लोगों के साथ रहे, जहां उसको पढ़ने का मौका दिया जाए, कुछ सिखाया जाए स्किल, इस तरीके से उसको रखा जाएगा, उसको एज सच पनिश नहीं किया जाएगा जब बोर्ड काम करेगा। तो वो किन किन ऑफेंसेस पे होगा, तो मैं आपको बता दूं 2021 के अमेंडमेंट के पहले इसमें एक कैटेगरी के बच्चों को नहीं रखा गया था, जो आप ये ग्रीन से हाइलाइटेड देख रहे हैं, दिस पार्ट हैज बीन एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट, क्योंकि देखिए यहां लिखा था कोई भी ऐसा बच्चा जिसने क्या कमिट किया हो, पेटी ऑफेंस कमिट किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, पूरे 18 साल तक का कोई भी बच्चा जिसने पेटी ऑफेंस किया हो या सीरियस ऑफेंस किया हो, या फिर यहां लिखा था चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर हैज कमिटेड अ हीनस ऑफेंस। हीनस ऑफेंस के केस में किसको कवर कर रहे थे पहले, ये सिर्फ उस बच्चे को जिसकी उम्र 16 साल तक हो। इन्होंने किसको छोड़ दिया था, 16 साल से 18 साल तक का जो बच्चा था और उसने अगर हीनस ऑफेंस कमिट किया था तो उसको छोड़ दिया था, उसको बोर्ड के ऊपर रखा ही नहीं था, वो सीधे कहां जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट, सॉरी चिल्ड्रन कोर्ट। लेकिन 21 के अमेंडमेंट ने चेंज किया, उसको भी यहां इंक्लूड किया है और यहां लिखा है और अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर हैज कमिटेड अ हीनस ऑफेंस, अबव द एज ऑफ 16 ईयर और उसने हीनस ऑफेंस किया है, एंड द बोर्ड हैज आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 डिस्पोज ऑफ द मैटर। अगर बोर्ड ही डिस्पोज ऑफ कर रहा है, भले ही हीनस ऑफेंस का केस है, 16 साल से 18 साल के बीच बच्चे की उम्र है और हीनस ऑफेंस उसने कमिट किया है, तब भी अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं हम ही डिस्पोज ऑफ करेंगे, इतना वो कुछ उन्हें उसमें सब्सटेंस नहीं लगता, उन्हें लगता है कि उस बच्चे को केयर की जरूरत है, तो वो खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अधिकार यहां पे है, तो वो खुद डिस्पोज ऑफ करेंगे। खुद डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, तो बोर्ड क्या क्या करेगा, देखिए जैसा मैंने कहा वो जेल नहीं भेजेगा, क्या करेगा, अलाउ द चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन, एडवाइस समझा बुझा के या एडमोनिशन डांट डपट के उसको घर भेज देगा, या तो ये कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा डायरेक्ट दी चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज, या फिर उसको सोशल सर्विस के काम में लगाएंगे, कम्युनिटी सर्विस में, कि जाओ सफाई अभियान चल रहा है उसमें हेल्प करो, कहने का मतलब उसका सोशल इंटीग्रेशन करेंगे उस, क्योंकि अब उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसकी जान नहीं ली जाएगी, इस बात के लिए उसे एक मौका दिया जाएगा आगे एक अच्छे इंसान की तरह सोसाइटी में इंक्लूड होने का। तो जब बोर्ड डिस्पोज ऑफ करता है मैटर, तो वो ये पनिशमेंट नहीं देता, वो ये सारी चीजें करता है, ठीक। तो हर केस में बोर्ड कर सकता है जहां उसको लगता है, वो मैटर डिस्पोज ऑफ अब कर सकता है 21 के अमेंडमेंट के बाद। सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15, 15 में जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था, और 15 का जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो किस बच्चे के लिए है, अगर उसकी एज 16 से 18 है और उसने कौन सा ऑफेंस किया है, हीनस ऑफेंस किया है, तब सेक्शन 15 में आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था, और वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके या तो बोर्ड को ये लग सकता है कि खुद ही डिस्पोज ऑफ करना है, तब तो वैसे ही करेंगे जैसा मैंने आपको अभी पढ़ाया, लेकिन अगर बोर्ड को अदरवाइज लगता है, अगर वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 पास एन ऑर्डर दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द सेड चाइल्ड, कि उस बच्चे की ट्रायल होनी चाहिए एज एन एडल्ट, उसे ट्राई किया जाना चाहिए एज एन एडल्ट, देन द बोर्ड में ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल ऑफ द केस टू द चिल्ड्रंस कोर्ट, किसके पास भेज देंगे ट्रायल के लिए, चिल्ड्रंस कोर्ट, वो खुद डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ करेंगे तो पनिशमेंट नहीं देंगे, इसीलिए अगर उन्हें लगता है कि हिनस ऑफेंस है, और बेसिकली क्या डिसाइड करता है बोर्ड इधर, कि 16 साल से 18 साल की उम्र है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं है टेंडेंसी से ही ऐसा है, या फिर उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो क्या ऑफेंस कर रहा है उसके बाद भी उसने किया है, तो ये उस कैटेगरी के बच्चों से अलग है जिन्हें एक्चुअली केयर उस तरीके की चाहिए, इसका जो मेच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे केस में इस बच्चे को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन इसकी ट्रायल कहां चलेगी, चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट कौन से होंगे, या तो पॉक्सो में, या उस स्पेसिफिक एक्ट में, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां इस बच्चे की फिर ट्रायल चलाई जाएगी। अब देखिए इसके बाद 19 में दिया है पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट, चिल्ड्रंस कोर्ट क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई वो तो फिर नॉर्मल ट्रायल करेंगे जैसे वो ट्रायल करते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर अ फ्यू थिंग विच यू शुड नोटिस, कि भले ही वो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो सीआरपीसी के हिसाब से एडल्ट की तरह उसको ट्रीट तो कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू
मस्ट नोटिस कि पनिशमेंट से रिलेटेड अभी आगे प्रोविजन में ये बात है कि मैक्सिमम पनिशमेंट आप कितना दे सकते हैं, तो उस पे एक लिमिट है, एकदम एडल्ट की तरह आप नहीं देंगे, बाकी ये नॉर्मल चीजें यहाँ पे उससे रिलेटेड दी हुई हैं। 20 है चाइल्ड अटेंड एज ऑफ 21 ईयर्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम छोड़ दीजिए। 21 पे आइए, ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड, ये वो बात जो मैं कह रहा था कि ठीक है आप ट्रायल तो कर रहे हैं उसकी एज एन एडल्ट, लेकिन मैक्सिमम आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्या पनिशमेंट आप मैक्सिमम दे सकते हैं, तो देखिए 21, ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, कौन सा ऑर्डर जो पास नहीं हो सकता उसके लिए लिखा है, नो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस टू डेथ। आप किसी बच्चे को भले ही आपने उसको एडल्ट की तरह ट्रीट कर दिया है, 16 से 18 साल उसकी उम्र थी और उसने हीनस ऑफेंस कमिट किया था, आप उसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, या फिर आप उसे ऐसा लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं देंगे जहां रिलीज होने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, छूटने की, जैसे वो दिया जाता है ना लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल डेथ, ये नहीं देना है आपको, उसमें लिमिट देनी पड़ेगी। देयर शुड बी अ चांस फॉर हिम कि वो अपने आप को, भाई अभी वो मैच्योर नहीं है, 16 से 18 साल उसकी उम्र है, हो सकता है जब वो 24-25 साल का हो तो उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आए कि जो मैंने उस उम्र में किया था वो गलत है, तो एक मौका उस बच्चे को आगे चल के मिलना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ जीने का, ये पर्पज है पूरा इस एक्ट का, इसीलिए यहां ये लिमिट लगाई गई है कि इस तरीके का पनिशमेंट आप किसी भी ऑफेंस के लिए नहीं दे सकते। आई होप दैट इज क्लियर। तो अब आपको मेरे ख्याल से चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की पूरी कहानी समझ में आई। आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो आपके केस में इंक्वायरी कौन करेगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये सेक्शन 14 में लिखा है। हाँ, अगर मान लीजिए आप ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र 16 से 18 साल है और उसने हीनस ऑफेंस किया है, तो सेक्शन 15 के हिसाब से एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा आपका। उस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि मैटर हमें ही डिस्पोज ऑफ करना है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट को देना है और उस 16 से 18 साल के बच्चे को एज एन एडल्ट ट्रीट करवाना है या नहीं। बाकी सारे मैटर तो बोर्ड ही डिस्पोज ऑफ करेगा, बस यहां वो एक थॉट देगा, और अगर उसे लगता है कि हीनस ऑफेंस का अक्यूज्ड है 16 से 18 साल का है और उसको एज एन एडल्ट ट्रीट कराना चाहिए, तो वो उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के पास भेज देगा, चिल्ड्रन कोर्ट उसको एज एन एडल्ट ट्रीट करेगा, लेकिन पनिशमेंट इससे ज्यादा नहीं देगा। दैट इज द होल स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ जुवेनाइल अक्यूज्ड। आई होप दैट इज क्लियर। कौन अथॉरिटी कब आएगी सीन में, एवरीथिंग इज क्लियर। तो सेक्शन वेक्शन याद रखना, ज्यादा टास्क आपके लिए नहीं रह जाएगा। इसके बाद आइए 23। अब बेसिक प्रोविजन है इधर, बहुत ज्यादा एज सच टेक्निकलिटी या समझने वाली चीज बहुत ज्यादा अब आगे आपको नहीं मिलेगी। 23 देखिए, नो जॉइंट प्रोसीडिंग ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट अ चाइल्ड। किसी भी ऐसे बच्चे की जो कॉन्फ्लिक्ट में है लॉ के, कहना मतलब जुवेनाइल जो 18 साल से कम का, उसकी ज्वाइंट ट्रायल किसी दूसरे अक्यूज्ड के साथ नहीं होगी जो बच्चा नहीं है। नॉर्मल अक्यूज्ड के साथ जुवेनाइल की ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगी। दैट्स इट। सेक्शन नंबर आपसे पूछा जा सकता है किस सेक्शन में दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा 23 में दिया है। इसके बाद के कुछ प्रोविजन है 24, 25, 26 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। सीधे आइए अगले चैप्टर पे, चैप्टर 5। तो भैया चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात कंप्लीट, अब अपन आते हैं चाइल्ड हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, उसके लिए कौन है? चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ठीक, उसका पूरा जो डिटेल है वो इस चैप्टर में है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसके बाद उसका प्रोसीजर बताया आगे क्या क्या होगा। तो देखिए इस चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में कौन कौन होगा, जितना बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है उतना इसका नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सो देखिए 27 में दिया है सेक्शन नंबर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सेक्शन 27 में वेलफेयर कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ये बनाएंगे। कौन कौन होगा इसमें? तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, उसके अलावा 4 मेंबर होंगे एंड 4 अदर मेंबर्स। ठीक, एज द स्टेट गवर्नमेंट मे थिंक फिट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को फिट लगे, एक चेयरपर्सन, उसके अलावा 4 दूसरे मेंबर, और उनमें भी एटलीस्ट एक वुमेन होना चाहिए। ठीक, एक्सपर्ट हो, और उसके साथ एंड अनदर, एक एटलीस्ट एक्सपर्ट होना चाहिए किस चीज का? चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर का, बच्चों से रिलेटेड मैटर का एक एक्सपर्ट और एक वुमेन, इन 4 में से। ठीक, और एक चेयरपर्सन। इसके बाद सीधे जो इंपॉर्टेंट बात जानने लायक इसमें है वो है सबसेक्शन 6, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड मोर देन 3 ईयर्स। तो ये जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी है इसमें जो भी मेंबर अपॉइंट हो रहा है 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, एक बार में 3 साल के लिए ही वो अपॉइंट होगा।
सबसेक्शन 10 वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि 21 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि डीएम के रोल को काफी बढ़ा दिया गया है, उस पॉइंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शाल बी दी ग्रीवियंस रेड्रेसल अथॉरिटी टू एंटरटेन एनी ग्रीवियंस अराइजिंग आउट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी। ये जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी है ना, इनका जो ये जो फंक्शन कर रहे हैं, अगर इन्होंने ठीक से अपना काम नहीं किया, उससे कोई अग्रीव्ड व्यक्ति है तो वो किसके पास जाएगा? डीएम के पास जाएगा, ठीक, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है, इसीलिए याद रखने लायक चीज है। बाकी 28, 29, 30 छोड़ दीजिए, सीधे आइए अगले चैप्टर पे, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जैसे हमने वहां बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन देखा था, उसके बाद हमने उस प्रोसीजर की बात की थी जो अडॉप्ट किया जाएगा इन द केस ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वैसे ही जब हमने कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली है, उसकी चीजें देख ली हैं, अब हम किस प्रोसीजर को डील करेंगे कि उन बच्चों का से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, दैट इज चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले उन्हें प्रोड्यूस होना है कमिटी के सामने। 31 में कुछ जानने लायक बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रोड्यूस कर सकता है कमिटी के सामने, कोई भी इंडिविजुअल जिसे ऐसा बच्चा कहीं से पता चलता है कि भाई कोई ऐसा बच्चा है, पता चलता है कि उसको केयर की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर, कुछ कोई भी एनीबॉडी जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि कोई बच्चा है जिसे चाइल्ड या जिसे केयर या प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो आके कमिटी के पास इन्फॉर्म कर सकता है। लेकिन 32 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात करता है। वो कौन सी कंडीशन है जहां एक पर्सन बाउंड है कि अगर उसे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसको नीड और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसे मैंडेटरीली बताना है जाके, ड्यूटी बाउंड है। वो कब होगा? दैट इज गिवन इन 32। तो ये देखिए, एनी इंडिविजुअल और अ पुलिस ऑफिसर और एनी फंक्शनरी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, ऐसा कोई भी व्यक्ति हु और विच फाइंड्स एंड टेक्स चार्ज, जो बच्चा ढूंढता है उसे मिलता है और उस बच्चे का चार्ज ले लेता है, और इज हैंडेड ओवर अ चाइल्ड, या फिर कोई उसे एक बच्चा हैंड ओवर कर देता है, हु अपियर्स और क्लेम्स टू बी अबेंडेंड और लॉस्ट, और अ चाइल्ड हु अपियर्स और क्लेम्स टू बी एन ऑर्फन विदाउट फैमिली सपोर्ट, शैल विद इन 24 आवर्स गिव इंफॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन सर्विसेज और द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को इन्फॉर्म करना है। तो देखिए, जब किसी बच्चे की कस्टडी किसी बच्चे के पास आ जाती है, अगर उसे मिलता है और वो उसका चार्ज ले लेता है, या कोई बच्चा एक दूसरे व्यक्ति को सौंप जाता है, ऐसे केस में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि साहब वहां पे एक बच्चा है जिसको केयर की जरूरत है, वहां आप कर सकते हैं, 31 में दिया आप इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन आप ड्यूटी बाउंड कहां हो गए? जहां आपको कोई बच्चा दिखा, आपने उसकी उसका चार्ज ले लिया, उसकी कस्टडी ले ली, या आपको कोई हैंडओवर करके चला गया, किसी नर्सिंग होम में कोई बच्चा दे गया, वहां ड्यूटी बाउंड है पर्सन, 24 घंटे में पुलिस स्टेशन को या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या चिल्ड्रन सर्विसेज पे आपको इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है। क्यों है ऐसा प्रावधान? कि भैया आप कहीं उस बच्चे का मिसयूज ना कर लें, क्योंकि आपको वो दिखा, आपने उसका चार्ज ले लिया है, अब कहीं आप उससे भीख ना मंगवाने लग जाएं, आप उससे अपने घर का काम ना कराने लग जाएं, कहीं आप उसकी ट्रैफिकिंग ना करवाने लग जाएं। इसीलिए ऐसे केसेस में ड्यूटी बाउंड हो कि आपको बताना है 24 घंटे किस तरीके का बच्चा एक है, ठीक। इसके बाद देखिए 33, आप क्योंकि वहां 32 में आप ड्यूटी बाउंड है, अगर आपने उसका ब्रीच किया तो ऑफेंस होगा, पनिशमेंट मिलेगा। सो देखिए 32 है ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग। तो अगर आपको 32 में कोई बच्चा मिला है उस तरीके से और आपने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया विद इन 24 आवर्स, तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, और इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या होगा वो 34 में दिया है, पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, या फिर फाइन जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है। 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट या 10,000 तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है इन दैट केस। इसके बाद 35, 36, 37 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आ जाइए 38 पे, प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, जो मैंने पहले भी बताया था, डिक्लेयर किया जाएगा दैट द चाइल्ड इज फ्री फॉर अडॉप्शन। वो डिक्लेरेशन किस सेक्शन में किया जाता है? 38 में। कैसे होता है? सिंपल सी चीज है, इन केस ऑफ ऑर्फन एंड अबेंडेंट चाइल्ड द कमिटी शैल मेक ऑल एफर्ट्स फॉर ट्रेसिंग द पेरेंट्स। कोई भी अबेंडेंट चाइल्ड मिलता है कमिटी को,
तो पहले वो पूरा प्रयास करेंगे कि उसके परिवार को ढूंढ पाए, उसके पेरेंट्स को ढूंढ पाए या उसके गार्जियन को ढूंढ पाए, मिल जाएंगे तो उन्हें दे देंगे। लेकिन जहां सारे एफर्ट करने के बाद भी उसके पेरेंट्स या गार्जियन को वो नहीं ढूंढ पाते हैं, इन दैट केस द कमिटी डिक्लेयर्स अ चाइल्ड टू बी फ्री फॉर एडॉप्शन। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चाइल्ड फ्री फॉर एडॉप्शन, या फिर हम अबेंडेंट चाइल्ड किसको कहते हैं, अबेंडेंट चाइल्ड की डेफिनेशन में हमने देखा था, ऐसा नहीं कि जिसको छोड़ दिया गया है वो अबेंडेंट चाइल्ड नहीं है, द कमिटी मस्ट डिक्लेयर हिम सो, ठीक, और वो डिक्लेयर करेगी दैट ही इज फ्री फॉर एडॉप्शन, तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसे अडॉप्ट कर सकता है। इसके बाद आ जाइए इसके सबसेक्शन 5 पे, द कमिटी शैल इन्फॉर्म द डीएम। ये भी क्योंकि अमेंडमेंट से ऐड हुआ इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएम को इन्फॉर्म करना है या स्टेट एजेंसी को इन्फॉर्म करना है कि भाई कितने ऐसे बच्चे आपके एरिया में हैं जिन्हें आपने डिक्लेयर किया है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ऐसी बच्चों की संख्या और उनकी डिटेल आपको डीएम को देनी होती है। इसके बाद अगला चैप्टर है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। देखिए अभी हमने दो चैप्टर्स में क्या बात करी, एक चैप्टर में हमने ये बात करी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की, उसके साथ क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा, क्या किया जाएगा। फिर हमने बात करी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसके लिए क्या करेंगे, कौन करेगा और क्या क्या किया जाना है। अब दोनों, चाहे वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो या फिर अ चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, दोनों को आगे का जीवन तो आपको अच्छा करके देना है ना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे के लिए ये चैप्टर है रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन उनका कैसे होगा, बहुत ही जनरल सी बातें हैं और एग्जाम में आने लायक चीजें, प्री में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आने लायक चीजें बहुत कम हैं इधर पे कि क्या क्या वो चीजें होंगी। 3940 तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी फुर्सत में बैठना तो उसको रीड जरूर कर लेना एक ओवरव्यू समझने के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 41 उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये जो रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, करते कौन है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन करते हैं। अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वॉलेंट्री होंगे, खुद से बन गए वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, उनको रिकॉग्निशन लेना है गवर्नमेंट से, तभी वो इस एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज्ड माने जाएंगे या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन माने जाए। वो भले अपना उस फील्ड में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन भैया ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, छोटे बच्चों की कस्टडी है आपके पास, आप उसमें डील कर रहे हैं, कहीं आप इमोरल एक्टिविटीज तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सब देखना है, इसीलिए आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए और समय समय पे आपके यहाँ चेकिंग और इंक्वायरी सब होगा। इसीलिए जब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकते आप इस चीज में डील नहीं करेंगे, दैट इज द बेसिक पर्पज। और अगर बिना रजिस्टर कराए आप ये सब काम कर रहे हैं तो इट इज एन ऑफेंस, ठीक। सो देखिए सेक्शन 40 रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वॉलेंटरली जो इस काम को कर रहे हैं, एनजीओज हैं, अगर वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत काम करना चाहते हैं एज अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कब रजिस्ट्रेशन होता है, कितने दिन वैलिड होता है, सब एक बार आप रीड कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात इधर पे वो है जो मैंने आपको बताई कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप डील कर रहे हैं, तो देखिए 42 उसकी बात करता है पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अपने को रजिस्टर नहीं कराया, एनी पर्सन और पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। आप डील कर रहे हैं लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पनिशेबल ऑफेंस है, जो भी उसका इंचार्ज है उसको पनिशमेंट मिल सकता है, कितना, इंप्रिजनमेंट 1 साल तक का और फाइन लगाया जा सकता है 1 लाख रुपए। अब देखिए भाई यहां पे पनिशमेंट्स ना कई सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, जैसे ऊपर हमने देखे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया वो वाला, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और ये पर्टिकुलर का ऑफेंस का पनिशमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जो हमने एक चैप्टर मैंने कंटेंट में आपको बताया था कि ऑफेंस, अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसमें हर ऑफेंस में अपना पनिशमेंट है, वो पूछा जाने की संभावना कम है कि उतना याद रखना संभव नहीं है, बट ये थोड़े से अलग चीजें हैं उससे रिलेटेड, इसको जरूर आप देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको आंसर कर देता हूं, हरीश सर का, क्या प्रश्न ऐसा तो नहीं आएगा कि धारा 18 की उपधारा में क्या बताया है। देखिए हरीश जी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं
वहां पूछा जा सकता है। जैसे 18 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर पास होना है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी, जिसमें मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ना स्पेसिफिक पोर्शन क्लॉजेस में, उनके क्लॉजेस पूछे जाने की थोड़ी संभावना है। और जहां वो संभावना नहीं है वहां मैंने सिर्फ हेड नोट हाईलाइट किया है, ब्रीफ में आपको समझाया और मैं आगे बढ़ गया हूं। बट जहां हमने वो चीज करी है वहां संभावना बिल्कुल है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक, तो 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है या 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इसके बाद 43 से जो प्रोविजन चालू हो रहे हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत है कि जैसे ओपन शेल्टर किस सेक्शन में दिया है एस्टैब्लिशमेंट उसका, तो वो दिया है 43 में। ओपन शेल्टर क्या होंगे? ओपन हाउस होंगे, ऐसे जगहें बना दी जाएंगी ऐसे बच्चों के लिए जिनको नीड और जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनका कलेक्टिव तरीके से जिन्हें रखा जा सके, खाने की व्यवस्था हो जाए, इस तरीके के जगहें बनाई जाएंगी, दैट विल बी ओपन शेल्टर। सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखिएगा, 43 में है। ऐसे ही फॉस्टर केयर जो मैंने आपको बताया, जहां उसको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज फॉस्टर केयर, किस सेक्शन में है ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। 46, 46 तो 45 और 46 एकदम छोड़ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन होम्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 47 कि ये होते क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल होम दोनों तरीके की बात है, तो थोड़ा समझ लीजिए किस पर्पस के लिए है। ऑब्जर्वेशन होम का सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा, 47 में है। किस पर्पस के लिए है? फॉर टेम्पररी रिसेप्शन केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड की टेम्पररी केयर के लिए है ये, परमानेंटली टेम्पररी केयर के लिए है। ऑफ एनी चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दौरान उसे रखा जाएगा इस हाउस में, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक जहां उसे रखा जाएगा वो होगा ऑब्जर्वेशन होम 47 में। और अगर इंक्वायरी करने के बाद बोर्ड को लगा कि अब हमें डिस्पोज ऑफ करना है, अगर वो गिल्टी पाते हैं उसे, जैसे कि सेक्शन 18 में हमने पढ़ा कि गिल्टी पाया जाता है, फिर उसको कहां रखा जाएगा, उसके लिए आगे है। ये इंक्वायरी के दौरान रखा जाएगा, दैट इज ऑब्जर्वेशन होम। उसके बाद देखिए स्पेशल होम 48, तो यहां किस बच्चे को रखेंगे आप? फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये डील दोनों उसी में कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, दोज हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। लेकिन जब इंक्वायरी चल रही है तब उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जब वो ऑलरेडी गिल्टी फाउंड हो चुका है। ये देखिए, हु आर प्लेस्ड देयर बाय एन ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर सेक्शन 18। 18 में कब करते हैं? जब आप ये पाते हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, उस समय उसको जहां रखा जाएगा उस जगह को कहते हैं, उसके लिए क्या जगह बनाई गई है? स्पेशल होम है उसके लिए, और ऑब्जर्वेशन होम इंक्वायरी के लिए। सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा। आ जाइए 49, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये एक अलग जगह होगी। सेक्शन नंबर याद रखिएगा, टू प्लेस अ पर्सन अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, ये किसके लिए है? 18 साल से ऊपर, अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हु इज बिटवीन द एज ऑफ 16 टू 18 इयर्स एंड इज अक्यूज्ड ऑफ और कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग अ हीनस ऑफेंस। 16 से 18 साल तक का वो बच्चा जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है या जिसे पाया गया है कि उसने हीनस ऑफेंस कमिट किया है, ठीक, वो व्यक्ति, वो बच्चा जो कन्विक्ट या अक्यूज्ड है, 16 से 18 साल उम्र है, या फिर जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन ऐसे बच्चों को भी इसमें डील किया, क्योंकि हो सकता है जिस समय उसने ऑफेंस कमिट किया था तब वो 18 से कम था और अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है उस ऑफेंस से रिलेटेड बोर्ड के पास, तो उसको कहां रखेंगे? अब उसको स्पेशल होम में ना रख के आप किधर रखेंगे? प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखेंगे। आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस नेचर के ये मतलब थोड़ा सा उन डेलिकेट बच्चों से थोड़ा अलग है, थोड़े से अलग है, इसलिए उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखा जाएगा, इनको भी थाने में नहीं रखा जाएगा। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ दिस। इसके बाद देखिए 50 बात करता है चिल्ड्रंस होम की। अभी तक जिनकी बात करी वो सब चिल्ड्रन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ थे, जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया या उसके अक्यूज है, ये अलग है, ये उन बच्चों की बात करेगा जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। सो चिल्ड्रंस होम किसके लिए? फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर केयर ट्रीटमेंट एजुकेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन, उन बच्चों की जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है उनके लिए चिल्ड्रंस होम है। सेक्शन 15, सेक्शन नंबर याद रखिएगा, पर्पस याद रखिएगा, दैट्स इट।
51 में फिट फैसिलिटी दी है, पहले मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्लॉज में बता चुका हूं फिट फैसिलिटी क्या होती है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक बच्चे की कस्टडी सौंपी जा सकती हो वो फिट फैसिलिटी है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा। फिट पर्सन 52 में दिया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एक बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है जो कि उसकी फैमिली से अलग हो, दैट इज फिट पर्सन। इसके बाद देखिए 53, 54, 55 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड मिसेलिनियस प्रोविजंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब आते हैं अपन चैप्टर 8 पे, अडॉप्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस अडॉप्शन इज इंपॉर्टेंट, थोड़ी कुछ बातें यहाँ इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने कहा, अडॉप्शन सिर्फ इससे गवर्न नहीं होगा, पर्सनल लॉ भी है उनसे गवर्न होता है, गवर्नमेंट ने बॉडी बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अडॉप्शंस को डील करने की, उसके प्रोविजंस भी हैं। दीज प्रोविजंस आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस मेड बाय दैट अथॉरिटी, उस अथॉरिटी ने जो प्रावधान बनाए हैं उनके साथ ही इन चीजों को आपको पढ़ना है। सो देखिए, सबसे पहले 56 अडॉप्शन बताता है कि अडॉप्शन होता क्या है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा, अडॉप्शन का मीनिंग कहां बताया। सो अडॉप्शन शैल बी resorted to for ensuring right to family for the orphan, abandoned and surrendered children. Adoption का basic purpose क्या है? ऐसे abandoned लोग या जिनको surrender कर दिया हो, ऐसे बच्चे orphans को एक family दिलवा दी जाए, that is the basic purpose of adoption. Subsection 2 कहता है adoption of a child from a relative by another. अब देखिए अलग अलग तरीके के adoption की बात है, थोड़ा समझना। यहां से जो हरीश जी का सवाल था ना कि क्या सबसेक्शन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सेक्शन में सबसेक्शन पूछे जा सकते हैं, जैसे अब इसमें अलग अलग तरीके के अडॉप्शन की बात है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगले 5 मिनट मेरी बात। सबसेक्शन 2 में बात हुई है अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव, ये अबंडन बच्चे की बात नहीं कर रहा सबसेक्शन 2, वो किसकी बात कर रहा है, ऐसा बच्चा जिसका एक रिलेटिव दूसरे को दे रहा है फॉर अडॉप्शन, दैट इज dealt in this particular subsection. Adoption of a child from a relative by another relative, irrespective of their religion. मतलब सब पे applicable हो सकता है ये act. अगर आप अपने personal law के तहत adoption कर रहे हैं, तो फिर वहां के provision आप पे applicable है. आप इस act के तहत भी कर सकते हैं, irrespective of your religion. Can be made as per the provision of this act and the adoption regulations framed by the अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? वही कारा, जो इसमें अभी उसकी बात भी आएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से बना रखी है। आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर पे जाएंगे, वहां इस अथॉरिटी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएगी। सब सेक्शन 3 देखिए, ये किस तरीके के अडॉप्शन की बात कर रहा है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पर्सनल लॉ में अगर हुआ है तो ये इधर के प्रोविजन उस पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एग्जॉस्टिव प्रोविजन वहां दिए हुए हैं। 4 देखिए, ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन। सबसेक्शन 4 किसमें डील कर रहा है? इंटर कंट्री, भारत के में कोई बच्चा है जिसको कोई विदेश में रह रहा व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज इंटर कंट्री। सो ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन शैल बी डन ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द अडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। तो जितने भी इंटर कंट्री अडॉप्शन होंगे वो स्ट्रिक्टली इस एक्ट के हिसाब से ही होंगे, इसके वॉयलेशन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो भी आगे चल के आपको समझ में आएगा कि पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। सबसेक्शन 5 देखिए, एनी पर्सन हु टेक्स और सेंड्स अ चाइल्ड टू अ फॉरेन कंट्री और टेक्स पार्ट इन एनी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द केयर एंड कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड टू अनदर पर्सन इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट अ वैलिड ऑर्डर फ्रॉम द डीएम। अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं विदेश में या उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये काम आप बिना डीएम के ऑर्डर के नहीं करेंगे, और जैसा मैंने कहा अगर आपने इसका वॉयलेशन किया तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस, शैल बी पनिशेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80। 80 में उसका पनिशमेंट दिया है, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो जितने भी इंटर कंट्री अडॉप्शन है डीएम के ऑर्डर पे होंगे। इसके बाद देखिए 57, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। कौन लोग हैं जो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब जो बच्चे को अडॉप्ट करने वाले हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो मैंने कहा ना, जैसे कारा की गाइडलाइन है वो अपनी जगह, और यहां भी कुछ चीजें दी हुई हैं, और जो अडॉप्शन स्ट्रिक्टली इस एक्ट से रेगुलेट होते हैं उसमें ये कंडीशंस फुलफिल करना मैंडेटरी हो जाता है। द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट शैल बी फिजिकली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड मतलब आप कंपैशनेट होने चाहिए टुवर्ड्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड।
सेकंड में, इन केस ऑफ अ कपल, अगर कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए. थर्ड कहता है सिंगल और डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट. एक सिंगल पर्सन या डिवोर्स पर्सन भी अडॉप्ट कर सकता है, जो क्राइटेरिया अथॉरिटी ने दिए उसके हिसाब से. अथॉरिटी कौन सी है? वही जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कारा, उस अथॉरिटी के हिसाब से. फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल मेल इज नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड. सिंगल मेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल एग्जाम में आने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा इसको. बाकी कोई भी और क्राइटेरिया जो वो अथॉरिटी असाइन कर दे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है. इसके अलावा प्रोसीजर इससे रिलेटेड, कि ऐसे पेरेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रोसीजर, या बाहर रह रहे हैं उनसे रिलेटेड 59 में दिया है ना. तो जो इंटर कंट्री है उसमें भी दो तरीके का. देखिए, जो इंटर कंट्री एडॉप्शन है, कोई ऐसा बच्चा जिसको भारत के बाहर दिया जा रहा है एडॉप्शन में, उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया. 59 उन बच्चों की बात कर रहा है जो ऑर्फन या अबेंडेंड है, जिनका कोई है नहीं, या फिर इंटर कंट्री रिलेटिव द्वारा हो रहा है, कोई रिलेटिव उसे दे रहा है इन अडॉप्शन फॉरेन कंट्री, उससे रिलेटेड 60 में प्रोविजन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. 61 प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अडॉप्शन प्रोसीडिंग्स, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पीरियड ध्यान रखिएगा. द अडॉप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड द केस शैल बी डिस्पोज ऑफ बाई द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. तो इन स्पेसिफिक कंडीशन में जो अडॉप्शन हो रहे हैं उसमें जो है वो डीएम 2 महीने के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, और पैसे के लिए नहीं होना चाहिए. ये भी बातें यहां दी हुई हैं कि अडॉप्शन जो है उसमें पैसा या पेमेंट नहीं होना चाहिए वो लेके, अदरवाइज वो तो ट्रैफिकिंग हो गई, वो तो खरीद फरोख्त हो गई ना एक ह्यूमन बॉडी की, तो वो नहीं होना चाहिए. उसके अलावा कुछ एडिशनल रूल 62 में जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. 63 इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, सेक्शन नंबर याद रखिएगा कि अडॉप्शन का इफेक्ट कहाँ दिया और इफेक्ट होता क्या है वो जान लीजिए. तो अडॉप्ट जब किसी बच्चे को कर लिया जाता है, तो उसके जो बायोलॉजिकल या नेचुरल पेरेंट्स हैं, या जो नेचुरल फैमिली है उसकी, बायोलॉजिकल फैमिली, उससे उसका कंप्लीटली लीगल रिश्ता खत्म हो जाता है, और उसका सारा रिलेशन जो लीगल है वो किसके साथ हो जाएगा? अडॉप्टिव पेरेंट्स, जिनने उसे अडॉप्ट कर लिया है. अब उनके सक्सेशन और बाकी सारी चीजों में उसका राइट आ जाएगा, ठीक. 64 रिपोर्टिंग ऑफ एडॉप्शन, तो जितने भी एडॉप्शन है उसकी रिपोर्टिंग कहां होनी है? डीएम के पास. इसके बाद 65 से 67 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. 68 देखिए, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसके बारे में इतनी देर से बात कर रहा हूं, जिसे कारा कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म CARA, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. तो इस एक्ट के आने के पहले जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी थी, उसी को अथॉरिटी बना दिया गया है. यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है. क्या क्या काम है उसके? तो सारे अडॉप्शन से, इंटर कंट्री अडॉप्शन पूरे वो रेगुलेट करते हैं, कंट्री में जो अडॉप्शन है उसको फैसिलिटेट कराते हैं, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बनाते हैं. सारी डिटेल सेक्शन नंबर बस याद रखिएगा, ये अथॉरिटी किस सेक्शन में है बस. इसके अलावा कुछ और अथॉरिटीज हैं, लेकिन सब ना तो इंपॉर्टेंट है ना आप याद रख पाएंगे, इसीलिए जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है मैंने उनको रखा है यहाँ. अब देखिए अगले चैप्टर पे आते हैं. अब ये हो गया उनका रिहैबिलिटेशन, उसी में अडॉप्शन अपन ने देख लिया. उसके बाद देखिए अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन. मैंने आपको कहा ना, कई सारी चीजों में डील करता है ये एक्ट, इसीलिए लेंदी है. इसने डील किया चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, डील किया चिल्ड्रन इन केयर एंड प्रोटेक्शन, उसके बाद उनके रिहैबिलिटेशन की बात करी, फिर अडॉप्शन की भी बात करी. अब ये कुछ और ऐसे ऑफेंसेस, अब ये उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट होते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया कि पॉक्सो भी डील करता है, लेकिन वो सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है, ये उससे अलावा ऑफेंसेस है. आईपीसी में भी ऑफेंसेस है जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, दिस ऑल्सो डील्स सिमिलर थिंग्स. बस यहां पे अपन क्या याद रखेंगे, सेक्शन नंबर अगर याद रख पाए बस उतना ही बहुत है. पनिशमेंट वनिशमेंट तो ना तो रख पाओगे याद, ना रिक्वायर्ड है ना. तो बस इतना याद रखिए किस सेक्शन में कौन सा ऑफेंस दिया है जो बच्चे के अगेंस्ट कमिट होगा. सो 74 में है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन. इस एक्ट में जितनी भी चीजें चल रही हैं किसी भी जुवेनाइल के अगेंस्ट, उस बच्चे की आइडेंटिटी कोई रिवील नहीं करेगा, कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑडियो, वीडियो, कोई उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील अगर करता है तो दैट इज एन ऑफेंस. वो दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया सेक्शन, ये मैं बता दूं आपको, ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 74. जैसे हमने आईपीसी में पढ़ा है आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, कोई सेक्शन बता सकता है मुझे कमेंट में? आईपीसी भी पढ़ाया है. हरीश सर कह रहे हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका. और अगर आप इसी तरीके से कमेंट करके और लोगों को ये बात बता पाए तो
मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। सेक्शन बताइए तुरंत मुझे, आईपीसी में कहां यह दिया हुआ है कि रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी? बताओ भाई, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी कोई बता सकता है? 228A पढ़ा था आईपीसी में, रिवाइज कर लो 18 के पहले। ठीक है, चलिए तो 74 यहां बताता है इन बच्चों की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। 75 देखिए, पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू चाइल्ड, चाइल्ड के अगेंस्ट कोई क्रुएलिटी कमिट करता है वो ऑफेंस है 75 में। उसके बाद देखिए 76, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग, भीख मांगने के लिए आप उसे एम्प्लॉय करते हैं, 76 में पनिशेबल ऑफेंस है। 77, पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और नार्कोटिक ड्रग और सच सब्सटेंस टू अ चाइल्ड, बच्चे को नशे अगर आप करवा रहे हैं किसी भी तरीके के, 77 में पनिशेबल। 78, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर वेंडिंग पेडलिंग कैरिंग सप्लाइंग स्मगलिंग, मतलब अब आप उससे या तो उसको ड्रग्स दे रहे हैं तो 77 में उससे आप ये काम करवा रहे हैं, उसको आपने ड्रग पेडलर बना दिया है, सो दैट इज एन ऑफेंस अंडर 78। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था लेक्चर के कि वो जो बच्चे का मजाक आप उड़ा रहे थे, दैट वॉजंट करेक्ट, वो ऐसा बच्चा है जिसे केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस बात को कम से कम आप तो समझिए, आप विधि के छात्र हैं। 79, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय, अगर कोई बच्चा एम्प्लॉय है तो उसका एक्सप्लॉइटेशन अगर आप करते हैं तो दैट इज पनिशेबल अंडर 79। अब आपके जहन में सवाल आएगा क्या बच्चा एम्प्लॉय हो सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 24 आपको देखना पड़ेगा, और इसके अलावा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड स्पेसिफिक लॉ है, वहां क्या प्रावधान है, किस उम्र तक के बच्चे को एम्प्लॉय किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, वो सारी बातें वहां डील हुई हैं। 80 देखिए, प्यूनिटिव मेजर्स फॉर अडॉप्शन विदाउट फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, जो अभी अडॉप्शन में हमने प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर पढ़ा ना कि इंटर कंट्री जो होना है डीएम की इजाजत के या उसके ऑर्डर के बिना नहीं होना, उसका वॉयलेशन किया तो 80 में पनिशेबल है, ये वहां भी लिखा था, सब सेक्शन 5 में भी लिखा था उस सेक्शन के। ठीक है, इसके बाद 81 देखिए, सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पस, बच्चे को खरीदते या बेचते हैं आप एक बच्चे को तो वो पनिशेबल है आपका 81 में। कॉर्पोरल पनिशमेंट अगर आप देते हैं, 82 कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ और एम्प्लॉयड इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में आप एम्प्लॉयड हैं, आप इंचार्ज हैं, और वहां के बच्चे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन, बच्चों को मारा जो जाता है ना उस तरीके के, अगर आप कोई कॉर्पोरल मतलब फिजिकल पनिशमेंट अगर आप बच्चे को देते हैं तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, और उसका पनिशमेंट है 82। इससे रिलेटेड भी मुझे याद है, रिसेंटली तो नहीं, काफी समय पहले एक क्लिप काफी वायरल हुई थी जिसमें एक कोई पेरेंट, एक फादर अपने बच्चे को बेरहमी से पीट रहा था क्योंकि उससे कुछ पढ़ते नहीं बन रहा था, सो दैट कैन बी एन ऑफेंस अंडर 82। ठीक है, इसके बाद देखिए 83, यूज ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप और अदर एडल्ट्स, तो जो मिलिटेंट ग्रुप ग्रुप होते हैं जैसे आतंकवादी संगठन है, वो अगर बच्चे को अपने यहां यूज करते हैं सो दैट इज पनिशेबल अंडर 83। 84, किडनैपिंग एंड एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, आईपीसी में तो है ही भैया, यहाँ ये प्रोविजन भी लगेंगे आपके ऊपर। ठीक, 84, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो डिसेबल्ड है उसके ऊपर अगर आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो 85 में पनिशमेंट है। 86 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एज डेजिग्नेटेड कोर्ट, किस तरीके से का मतलब ये जो ऑफेंसेस हैं इनका क्या क्लासिफिकेशन होगा, ये कॉग्निजेबल होंगे, बिलेबल होंगे, नॉन बिलेबल होंगे या नॉन कॉग्निजेबल होंगे, तो इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग बताया है कि कौन से ऑफेंस किस क्लासिफिकेशन में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम के लिए नहीं है, याद रखना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ये, ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इस चैप्टर में भी जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं ये कौन ट्राई करेगा, वो सारे ऑफेंसेस ट्राई होंगे चिल्ड्रन कोर्ट में, और चिल्ड्रन कोर्ट क्या होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 87, अबेटमेंट की बात करता है कि इन ऑफेंसेस के अगर अबेटमेंट किए तो वही पनिशमेंट मिलेगा जो ऑफेंस करने पे है। 88, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है कि जैसे हमने देखा कि किडनैपिंग यहां भी है, किडनैपिंग वहां भी है, तो 88 कहता है जो ज्यादा होगा पनिशमेंट वो दिया जाएगा,
ये है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, है ना, शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर सच लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट विच इज ग्रेटर इन डिग्री, जो ज्यादा हो वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद सीधे आ जाइए अगले चैप्टर पे, दैट इज मिसलेनियस चैप्टर 10। कुछ ही बातें यहां पढ़ने लायक है एग्जाम के लिए, कुछ ही बातें यहां इंपॉर्टेंट है चैप्टर 10 में। सबसे पहले 90 में है अटेंडेंस ऑफ पेरेंट और गार्जियन ऑफ चाइल्ड, सिर्फ सेक्शन नंबर याद रखिएगा, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है कि जब बोर्ड या कमिटी के सामने बच्चे को लाया जाएगा और उन्हें सही लगता है तो वो पेरेंट या गार्जियन की अटेंडेंस रिक्वायर कराएंगे। 91 डिस्पेंसिंग विद अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड, अगर वो चाहें तो प्रोसीडिंग के दौरान चाइल्ड की अटेंडेंस डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये किया जा सकता है 91 में, सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत है बस। सीधे उसके बाद देखिए 94 प्रेजम्पशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ एज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन आपके एग्जाम के लिए। प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा सबसे बड़ा सवाल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जब किसी जुवेनाइल को पेश किया जाता है तो ये होता है कि उस बच्चे की एज क्या है। कई बार होता है ना, जैसे मतलब 17-17 साल का बच्चा देख के वो लग रहा है कि अब वो 17 का भी हो सकता है, वो 18.5 का भी हो सकता है, तो बड़ी समस्या ये आती है कि उसके एज का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया। भाई देखो 12 साल का बच्चा तो देख के समझ में आएगा कि 18 से कम है, लेकिन अपन हम लोगों ने इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हैं जो 16 से 18 साल तक का बच्चा है उसने हिनस ऑफेंस किया तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब आपके सामने अगर एक 15 साल का बच्चा और एक 16 साल का या 16.5 साल का बच्चा खड़ा कर दिया जाए तो इट इज हार्ड टू डिस्टिंग्विश कि किस एज ग्रुप में आ रहा है ना, ये मुश्किल है। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगा बोर्ड अगर उसके सामने ये समस्या आती है, कौन से वो अगर अदरवाइज एविडेंसेस नहीं है तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे वो एज आइडेंटिफाई करेगा, ये दिया है 94 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर इट इज ऑब्वियस टू द कमिटी और द बोर्ड दैट द सेड पर्सन इज अ चाइल्ड, द कमिटी और द बोर्ड शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन स्टेटिंग द एज ऑफ द चाइल्ड एज नियरली एज मे बी एंड प्रोसीड विद द इंक्वायरी। जहां ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि देख के 10-12 साल का बच्चा देख के समझ में आएगा कि 8 साल का 10 साल का होगा, अप्रोक्सीमेट जो भी एज आपको लग रही है वो लिख के आप प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं, उस केस में तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसके अलावा बात करें एंड प्रोसीड विद द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 14 और 36 एज द केस में भी विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर कंफर्मेशन ऑफ द एज, आप कंफर्मेशन का वेट मत करिए। अगर आपको प्राइमा फेसी देख के लगता है कि हाँ यार बच्चा उसकी अप्रोक्सीमेट एज लिखिए और प्रोसीडिंग चालू करिए। इसके बाद देखिए सबसेक्शन 2, इन केस द कमिटी और द बोर्ड हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डाउट, अगर रीजनेबल ग्राउंड है डाउट का कि समझ में नहीं आ रहा क्या एज होगी, रिगार्डिंग वेदर द पर्सन ब्रॉट बिफोर इट इज अ चाइल्ड और नॉट, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो बच्चा है या नहीं, वो 18 से कम का है कि ज्यादा का है, अगर ये एलिमेंट ऑफ डाउट है, इन दैट केस शैल अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन बाय सीकिंग एविडेंस बाय ऑप्टेनिंग, कैसे एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस ऑप्टेन करेगा, कौन कौन से एविडेंस एडमिसेबल होंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ दैट चाइल्ड, इसका जवाब यहां लिखा है। इसको बिल्कुल याद कर लेना है एक एक चीज, इससे प्री का क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अलग अलग जगह से होता है, कौन सा मान्य है कौन सा नहीं, देखिए स्कूल के द्वारा दिया गया डेट ऑफ सर्टिफिकेट या फिर मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे सीबीएसई की 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हर जगह माना जाता है, यहां पे भी माना जाएगा। उसके बाद देखिए द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय कॉर्पोरेशन और अ म्युनिसिपल अथॉरिटी और अ पंचायत, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनका दिया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। एंड ओनली इन द एब्सेंस, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तभी आप तीसरे ऑप्शन को अलाउ करेंगे, दोनों में से कुछ नहीं है तभी। एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ 1 एंड 2 अबव एज शैल बी डिटरमाइंड बाय एन ऑसिफिकेशन टेस्ट और कोई दूसरा जो मेडिकल साइंस में आ जाए, फिलहाल ऑसिफिकेशन टेस्ट। ये भी सवाल बनता है कौन सा टेस्ट किया जाता है एज डिटर्मिनेशन के लिए, याद रखिएगा ऑसिफिकेशन टेस्ट, और कोई मेडिकल साइंस में नया टेस्ट आ जाता है डिटरमाइन करने का तो वो भी अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कब किया जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ दीस टू, अगर इनमें से कुछ है तो फिर उसी पे प्रोसीड करेंगे, ऐसे केस में ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं प्री के। प्रोवाइडेड सच एज डिटर्मिनेशन टेस्ट अगर कंडक्ट करना है 15 दिन के अंदर होना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 94 से। इसके बाद 95 से 100 इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे 101 पे आइए। अपील, अपील से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। किस बोर्ड ने दी, चिल्ड्रंस कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसकी अपील कहां होगी, बोर्ड की अपील कहां होगी, ये सब अपील इधर दिया है। सेक्शन नंबर भी याद रखिएगा कि 101 डील करता है अपील के साथ, और स्पेसिफिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि किसकी अपील कहां जाएगी। देखिए, अग्रीव बैन ऑर्डर मेड बाय द कमिटी और बोर्ड, कमिटी समझ गए, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इन दोनों के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील किधर जाएगी, 30 दिन के अंदर। 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर जगह है तो याद रखना मुश्किल है। कहां जाएगी ये ध्यान रखिएगा, इनकी अपील जाएगी टू दी चिल्ड्रंस कोर्ट, क्योंकि इनके ऊपर की अथॉरिटी कौन है, चिल्ड्रंस कोर्ट इनके ऊपर है। सो बोर्ड या कमिटी के अगेंस्ट ने जो ऑर्डर पास किया उसकी अपील जाएगी किधर, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। एक्सेप्ट फॉर डिसीजन बाय अपील, सॉरी एक्सेप्ट फॉर डिसीजन बाई दी कमिटी रिलेटेड टू फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप, जो हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप के बारे में भी ऑर्डर कौन देता है, कमिटी या बोर्ड, उसकी अपील चिल्ड्रंस कोर्ट के पास नहीं जाएगी, उसकी अपील जाएगी डीएम के पास। इन 2 चीजों को छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर्स जो बोर्ड ने दिए हैं या कमिटी ने दिए हैं, उसकी अपील जाएगी चिल्ड्रंस कोर्ट के पास। इसके बाद देखिए अगला सबसेक्शन 2, एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द बोर्ड पास्ड आफ्टर द मेकिंग द प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू अ हिनस ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो बोर्ड ने जो ऑर्डर पास किया आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15, क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है बोर्ड अंडर सेक्शन 15, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से 18 साल के बीच है और उसने कोई हिनस ऑफेंस कमिट किया है, तो बोर्ड ये डिसाइड करता है इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट से कि उसे हमें ही डिस्पोज ऑफ करना है या फिर उसको एज एन एडल्ट ट्रीट करना है और चिल्ड्रन कोर्ट के पास भेजना है, ये डिसाइड करता है। अब इसका जो भी डिसीजन बोर्ड ने लिया उसके अगेंस्ट अगर अपील होनी है तो वो किधर होनी है, तो भाई साहब वो अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशंस में। इसके बाद कहां अपील नहीं होगी ये भी ध्यान रखिए, तो सबसेक्शन 3 बताता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ एक्विटल मेड बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अदर देन द हीनस ऑफेंस बाय अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16। अगर बोर्ड ने किसी बच्चे का एक्विटल कर दिया है तो बोर्ड के एक्विटल के अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, सिर्फ एक केस में हो सकती है जहां हीनस ऑफेंस कमिट हुआ और बच्चे की एज क्या हो, 16 से 18। इसको अलग ही ट्रीटमेंट थोड़ा दिया है, आप देख रहे हैं। तो बच्चे की एज अगर 16 से 18 है और उसने हीनस ऑफेंस कमिट किया है, उसको बोर्ड ने एक्विटल दे दिया है, इसकी अपील हो सकती है, बाकी एक्विटल के अगेंस्ट बोर्ड के ऑर्डर के अपील नहीं होगी। फोर देखिए, नो सेकेंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन ने अपील में जो भी ऑर्डर दिया, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जा रही है, कोर्ट ऑफ सेशन ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर सेकेंड अपील अब नहीं जाएगी कोई भी, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां से आपसे सबसेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ देखिए, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रंस कोर्ट में फाइल एन अपील बिफोर द हाई कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट से अग्रीव्ड है अगर व्यक्ति, भाई बोर्ड और कमिटी से अग्रीव्ड से तो आप चिल्ड्रन कोर्ट के पास गए थे अपील लेने, देन अपील के लिए, चिल्ड्रंस कोर्ट के ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो उसकी अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। इसके बाद देखिए, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन एडॉप्शन ऑर्डर पास्ड बाय द डीएम, क्योंकि डीएम से ऑर्डर पास कराना पड़ता है एडॉप्शन का, डीएम ने मना कर दिया, उसकी अपील कहां जाएगी, 30 दिन के अंदर उसकी अपील जाएगी डिविजनल कमिश्नर के पास। अब देखिए ये सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली अथॉरिटी है, इसलिए इनकी अपील भी किधर जा रही है, डिविजनल कलेक्टर की अपील कमिश्नर के पास, सिंपल। तो डीएम की अपील डिविजनल कलेक्टर के पास जाएगी। इसके बाद 102 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेक्शन नंबर, रिविजन कहां दिया है 102 में, कौन कर सकता है रिवीजन इस एक्ट में, हाई कोर्ट। रिवीजन समझते हैं ना, हायर कोर्ट जब लोअर कोर्ट्स के केस के रिकॉर्ड मंगा लेता है फॉर इंस्पेक्शन, दैट इज रिवीजन। रिवीजन सीआरपीसी में भी होता है और सीपीसी में भी आपने पढ़ रखा है ना, सो ये उसी तरीके का रिवीजन, यहाँ हाई कोर्ट ही करेगा रिवीजन। इसके बाद देखिए 104 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द कमिटी और द बोर्ड टू अमेंड इट्स ऑर्डर।
कमिटी और बोर्ड दोनों के पास अधिकार है अपने ऑर्डर को अमेंड कर देना। इसको क्या कहते हैं, अपने ऑर्डर को चेंज करना क्या होता है, रिव्यू। क्या क्रिमिनल कोर्ट रिव्यू करते हैं? नहीं। सीपीसी में आपको रिव्यू मिल जाएगा, सिविल कोर्ट रिव्यू कर सकता है अपने ऑर्डर को, बट क्रिमिनल कोर्ट नहीं करता। बट बोर्ड और कमिटी कर सकते हैं, 104 में पावर दिया है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर पूछा जा सकता आपसे। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस फंड दिया है 105 में कि सरकार इस एक्ट के बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए, वो सब सरकार अरेंज करेगी। सेक्शन नंबर ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट है 106 में। सेक्शन नंबर अगर आप याद रख पाए, देखिए जो मैंने ऑफेंसेस बताए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस है उनके भी जितने सेक्शन नंबर आप याद रख पाए कोशिश करिए रखिए, ये भी कोशिश करिए कि आप रख पाए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो पहले वाले जो है बेटा वो प्राइमरीली याद होने चाहिए, वो ऑन प्रायोरिटी याद होने चाहिए। 15, 17, 18 इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो अगर याद होगा उसके बाद आप इन पे आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं नहीं रख रहा हूं। 107 है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, वो 107 में दी हुई है। फिर 8 से 10 तो हटा ही दो एकदम। 11 में रिपील के बारे में, तो जो 2000 का एक्ट था, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था उसको रिपील करके 2015 आया, और इस 2015 वाले एक्ट में भी 21 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए छोटे मोटे, और डिफिकल्टी हटाने के लिए रूल्स बनाएंगे गवर्नमेंट। ये सारी बातें इसके अलावा यहाँ दी हुई हैं। आई होप यू गॉट अ कॉम्प्रेहेंसिव आइडिया अबाउट दिस एक्ट, किन किन बातों में डील करता है, किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग है, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, किसका क्या काम है। आई होप आई वॉज एबल टू कन्वे ऑल दिस, और अगर आपके समझ में आ गया है तो मुझे लगता है आपके एग्जाम में काफी आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। और जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मांगे ये, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिख के अवेलेबल है, तो वहां से खुद भी इसका लाभ उठाइए और बाकी लोगों को भी बताइए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। कल हम डील करेंगे पॉक्सो एट द सेम टाइम, 8 बजे कल पॉक्सो डील होगा, तो आ जाइए कल भी। और फ्री टेस्ट जो चल रहे हैं उनको देते रहिए, ऐप पे फ्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं इन्हीं एक्ट्स के, तो वहां आप ये भी देख सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना आपसे रिटेन हो पा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।